लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे कोई है? आप कौन है? आप बंदर। मम्मी मम्मी जल्दी आओ। मम्मी क्या हुआ जया? मम्मी देखो कोई बंदर आया है। अरे सागर पुतू लड़की अपने मामा को नहीं पहचानती। अब पहचाना? अरे मामा। ये लो बंदर। आओ सागर आओ। डैडी देखो मामा आए हैं। अरे सागर तुम न फोन न तार, तो अचानक पुलिस इंक्वायरी की तरह चले आए। इंक्वायरी समझो बैठो, लेकिन इंक्वायरी से पहले ये बताओ कि तुम हमारी दीदी को खुश रखते हो या नहीं? अरे यार तुम्हारे सवाल पर तो कोई भी पति फंस जाएगा। अच्छा ये बता हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गया? अरे भाई हुआ ऐसे कि अजंता एलोरा के रिसर्च पेपर पर मुझे डॉक्टरेट मिल गई और साथ में 15 दिन की छुट्टियां भी, तो चा आप लोगों से मिल लो। यानी कि तुम भी हमारी तरह डॉक्टर सागर भारद्वाज हो गए। करेक्ट, लेकिन मरीजों का नहीं किताबों का। किताबों के ही ठीक है, मरीजों के डॉक्टर होते ना तो तुम्हारी बीवी पर जो गुजरती उसे मैं ही समझ सकती हूँ। भाई अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ ना तो सबसे पहले डॉक्टरों से शादी करने पर बैन लगा दूंगी। इनको देखिए दिन रात मरीजों में घिरे रहते हैं और घर वाले तो जाएं भाड़ में, है ना? मगर मम्मी आज डैडी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे लेकर जाएंगे। कहाँ बेटा कहाँ? देखिए अब आप अनजान मत बनिए, जया पिछले 3 दिनों से कह रही है अंजलि नाइट देखने को। हाँ पापा। आहा, अंजलि नाइट तो मुझे भी जाना था, लेकिन देखो आज मेरे क्लिनिक पर भयंकर भीड़ रहेगी। आशा तुम जया को लेकर चली जाओ ना। देखिए अब आप प्रोग्राम बनाकर पीछे मत हटिए, मैंने पहले ही कह दिया था कल से मेरे स्कूल खुल रहे हैं, भाई मुझे सारी तैयारी करनी है। देखो मामा मेरे लिए मम्मी डैडी दोनों को फुर्सत नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कह दो अपने डैडी मम्मी से तुम्हारा मामा आ गया, वो तुम्हें अंजलि नाइट दिखाने लगे। मामा अंजलि जी कितना अच्छा नाचती है ना, और गाती भी कितना अच्छा है। मुझे उनका ऑटोग्राफ लाकर दीजिए ना। श्योर, कल मैं उनके होटल में जाऊंगा और आपके लिए ऑटोग्राफ लेकर आऊंगा। हैप्पी? यस। चलें अभी? चलो। मैं पूछती हूँ मखनानी, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई प्रेस में स्टेटमेंट देने की कि
कि पेडी साहब के साथ मेरा कोई अफेयर चल रहा है और जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है। बड़ी आपको गलत फहमी हुई है बेबी, ये स्टेटमेंट मैंने Oh, shut up. मैं पेडी साहब की इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनसे शादी करूंगी। तुम मेरे मैनेजर हो और सिर्फ मैनेजर मेरे शोज अरेंज करने के लिए, और अगर तुमने मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी प्रेस स्टेटमेंट दी ना, तो मैं तुम्हें नौकरी से फौरन अलग कर दूंगी, समझे? बेबी ने लाइन ही कट कर दी पीड़ी साहब। लाइन हम फिर से जोड़ देंगे मकनानी। अब हमारे लंदन के शो का क्या होगा पीड़ी साहब? तुम्हारा लंदन का शो होगा माइकल, डोंट वरी। थैंक यू सर। ये रहा एडवांस 2 लाख और ये रहा माल। माल अपने पास रखो, सैक्सोफोन में डालकर बॉम्बे दे देना। मकनानी प्रिपेयर अप। बड़ी बीबी का क्या करेंगे? सोचना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। आप प्रेस वालों ने तो नाक में दम कर दिया, जहाँ चाहते हो बिना पूछे चले आते हो। जी मैं प्रेस वाला नहीं हूँ अंजलि जी। तो मैं प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर सागर। आपका नाम सागर हो या महासागर, मतलब मैंने तो तुम्हें यहाँ कोई लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया था। हा? जी मैं लेक्चर देने नहीं आया, अपनी भांजी के लिए ऑटोग्राफ लेने आया। ऑटोग्राफ तो पहले क्यों नहीं बताया? बैठो। अरे बैठो ना यार। जी हाँ, तो क्या नाम बताया? आकाश माथुर। जी आकाश माथुर नहीं, मेरा नाम सागर भारद्वाज है। एक मिनट या मैं मखनानी बोल रहा हूँ बेबी। मगर क्यों बोल रहे हो? तुम तो खामखा नाराज हो गई, शाम को पर्सनली आकर मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। जी नहीं, आप यहाँ आने का कष्ट न उठाइएगा, क्योंकि कल से मैं 2 हफ्ते के लिए कंप्लीट रेस्ट लेना चाहती हूँ, और मेरी बहन गीता भी मुझसे मिलने आ रही है। अरे बड़ी ये कैसे होगा, हमने अभी अभी लंदन के शो कन्फर्म किए बेबी। वॉट, किसने कहा था तुम्हें शो कन्फर्म करने के लिए? अरे शो तो कन्फर्म मैं ही करता हूँ ना। लेकिन अभी मैं कोई शो नहीं करना चाहती। अरे बड़ी कैसे नहीं करोगी, तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और तुम्हें इस शोहरत के आसमान पर पहुंचाने वाले हम ही तो हैं। व्हाट, एक्सक्यूज मी मिस्टर मखनानी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आज मैं जहां भी हूं अपने टैलेंट की वजह से हूं, और मुझे सपोर्ट करने वाले और भी हैं। क्या मतलब? अभी समझाती हूं। सुनो, एक लाइन बोल सकोगे? कौन सी लाइन? जब मैं इशारा करूं तो कहना अंजू डार्लिंग देर हो रही है, जरा जल्दी तैयार हो जाओ। डार्लिंग? अरे डार्लिंग हालत में अटकता हो तो डियर कह देना, प्लीज। एक लाइन का सवाल है, फिर ऑटोग्राफ लेके चलते बनो। ठीक है बोल दूंगा। हाँ तो बड़ी मिस्टर मखनानी, आपके ख्याल से मैं आपके सपोर्ट के बगैर शोहरत के आसमान से टूटकर जमीन पर बिखर जाऊंगी? हाँ जल्दी करो ना अंजू डार्लिंग, देर हो रही है। आई राजा डार्लिंग, बस एक मिनट। राजा डार्लिंग? अरे बड़ी भेड़ा, राजा डार्लिंग कौन है? एक बहुत ही खास फ्रेंड है, कद 6 फुट 1 इंच, 5 गेरा, रंग गोरा, और स्पेशल क्वालिफिकेशंस ये है मिस्टर मखनानी कि वो ब्लैक बेल्ट है। कहने का मतलब ये है कि मुझसे दूर रहना ही आपके सेहत के लिए अच्छा है। साली ने फिर डिस्कनेक्ट कर दिया और ठीक मेरे नाक के नीचे 6 फुट 1 इंच का कोई राजा डार्लिंग पैदा कर दिया। हाँ तो मिस्टर राजा श्रीनिवास। सागर भारद्वाज। अरे यार अगर तुम्हारी यही जिद है तो सागर भारद्वाज ही सही। अरे मेरा एक काम और कर दोगे तो मजा आ जाएगा। क्या काम? बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी। एक्टिंग? अरे तो एक्टिंग करना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है, जैसे तुमने अभी एक लाइन बोली थी ना, वैसे एक लाइन और बोल देना। Come on यार, can't you help a lady in distress? क्या करना होगा? That's the spirit. देखो, शाम को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तुमको मेरे साथ चलना होगा। यूं, तुमको मेरे साथ देखकर सारा प्रेस तुम पर टूट पड़ेगा कि तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है। तो तुम मुस्कुराकर कहोगे, No comments. और अगर वो जिद करे ना तो तुम कहना, We just good friends. बस अब इतना काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं ना? तो तुम शाम को 8 बजे आ जाना, एक भड़कीला सूट पहनकर, हम दोनों साथ चलेंगे। ओके आकाश? सागर भारद्वाज। Oh, I'm so sorry. लेकिन वरी नॉट, शाम को 8 बजे तक मैं तुम्हारा नाम रट लूंगी। सागर भारद्वाज ना? सागर भारद्वाज, सागर भारद्वाज, सागर भारद्वाज, सागर भारद्वाज। वेलकम अंजलि जी, वेलकम। थैंक यू। अरे आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठे ना,
प्लीज सिट डाउन, बैठे ना। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अंजलि जी, इनकी तारीफ। ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? वो तो यही बता सकते हैं। आप अपने और अंजलि जी के रिश्ते के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। क्या है कि हम दोनों, नो कमेंट्स, वी आर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त हैं। अरे यार, मैं कोई काट थोड़ी खाऊंगी। हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। जरा मेरे कान से लेकर कुछ बोलो ना। क्या है कि टाई बहुत टाइट है और गला सूख रहा है ना। अंजलि जी, एक बार हमारे लिए। ऐसे? मैडम, एक बार हमारे लिए। ये देखिए पीड़ी साहब, उसका राजा डाली। अच्छा है, खूबसूरत है। अरे आप उसकी तारीफ किए जा रहे हैं? अरे देखा नहीं कैसे गले लग लग के तस्वीरें खिंचवाई हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो चिड़िया हमारे हाथ से उड़ जाएगी। तुम फिक्र मत करो मखनानी, चिड़िया के उड़ने से पहले हम उसके पर काट देंगे। क्या मुसीबत है। कमिंग। इतना बड़ा डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी लोग दंग करने से बाज नहीं आते। अरे गीता, जा गई हैं आप? अरे तुमने आने की तार क्यों नहीं दी? मैं तुम्हारी से करने आ गई होती। बको मत, मैंने तार भी दी थी और तुमसे फोन पे बात भी की थी। अरे हाँ, यू नो व्हाट, ये सब यहाँ के टेलीफोन ऑपरेटर की वजह से हुआ। मैंने उसे कहा भी था कि पार्टी न जाने कितने बजे तक चलेगी, मुझे सुबह जगा देना, लेकिन वो स्टूपिड इडियट मेरी तरह सो गया होगा। अब तुम जल्दी से नहा धोकर के तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें ना एक मजे की बात सुनाती हूँ। ओके, चल। रुको 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 रुको। अरे हाँ, यहाँ के फूल अच्छे लगते हैं। अब ये वही है ना? हाँ, ये वही है। ये वाला ले। हाँ मामा। मकनानी, इसे अस्पताल तक पहुंचाना, ऊपर नहीं। ओके, ठीक है। ये दे दो। क्यों ब्रदर, फूल खरीद रहे हैं? अच्छे है ना? हाँ अच्छे अच्छे। किसको प्रेजेंट करेंगे? अंजलि जी को। अरे कमाल है, आपको कैसे मालूम? हमें मालूम है वो आपकी। नो कमेंट, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो हम उनके होटल तक अपनी कार में छोड़ सकते हैं। आप भी वहीं जा रहे हैं? बिल्कुल वहीं जा रहे हैं। क्यों जा, चले? हाँ। चलो फिर चलिए। ओह पीडी साहब, आप? हेलो अंजू, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप अचानक? हाँ, बस इसके बार बार फोन करने पर आना ही पड़ा। देखो मैं बैंगलोर से ड्राइव करके अभी आ रहा हूँ। ओह हेलो गीता, तुम कब आए? जी आज ही आई हूँ। गुड 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 गुड। अंजू तुम खामखास बेचारे पे बरस पड़ी। देखो ये मैगजीन स्कैंडल पर ही जीते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इनको अभी सू कर दूं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, मुकदमेबाजी से काफी कीचड़ उछलता है। That's like my Anju. मखनानी, अंजू को लंदन के शो के लिए 1,00,000 रुपए एडवांस दे दो। लेकिन पीडी साहब, मेरी बहन गीता आज ही आई है और हम दोनों बहनें काफी दिनों बाद मिली हैं। ये शो कैंसिल कर दीजिए ना प्लीज। अरे नहीं अंजू, तुम मेरी फिक्र ना कर, शो कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो, मैं जया बोल रही हूँ। अच्छा, मगर कौन सी जया? मैं प्रोफेसर सागर की भांजी जया बोल रही हूँ। हाँ बेबी, मुझे अपना वादा याद है, तुम्हें मेरी ऑटोग्राफ फोटोग्राफ जरूर मिल जाएगा। बस ना मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, ना ही फोटोग्राफ। आई हेट यू। एक ऑटोग्राफ मांगना इतना बड़ा जुर्म हो गया कि आपके मैनेजर ने मेरे मामा के हाथ पैर तुड़वा दिए। क्या, ये क्या कह रही हो तुम? यकीन नहीं आता तो खुद आकर देख लीजिए सरोज नर्सिंग होम में। You scoundrel! How dare you do that? क्या हो गया? ये तुम क्या कर रही हो? इसने प्रोफेसर भरद्वाज को गुंडों से इतना पिटवाया कि वह बेचारा अस्पताल में पड़ा है। मैं क्या सुन रहा हूँ मखनानी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पीड़ी साहब। बेबी के साथ उसकी तस्वीरें देखकर मैं आपे से बाहर हो गया। नहीं 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 नहीं, ये बहुत खराब बात है मखनानी, बहुत खराब बात है। प्लीज अपोलोजाइज टू द लेडी। मुझे माफ कर दो बेबी, गेट अवे यू इडियट।
तुम्हारी तरफ उसका मुस्कुरा कर देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमने मेरी नाक कटवा दी मखनानी। मुझे माफ कर दो बेबी, बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। अंजू इसे माफ कर दो, चलो उठो उठो। अंजू तुम अपनी पैकिंग करो, हमें यहाँ से बहुत जल्दी निकलना है। लेकिन अभी उस बेचारी से माफी मांगे बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? लेकिन लेकिन अभी टाइम नहीं है। ओह अब मैं क्या करूँ? एक मिनट, एक मिनट। गीत मेरी जान, आई नीड योर हेल्प, दिस इज एन इमरजेंसी। तू अंजलि बनकर सागर से माफी मांग ले और दो हफ्ते यहाँ आराम से रहे। हाँ ना बाबा, ना ना जान ना पहचान, ये मुझसे नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा? तो फिर हम शक्ल होने का फायदा है क्या? आज तो मेरी मदद कर देना यार, और कभी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। लेकिन अंजू मैं, स्टॉप इट। एक खूबसूरत सा बुके लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाना, वो समझेगा कि अंजलि मेरा उसे मिलने आई और खुश हो जाएगा। और हाँ उसकी भांजी के लिए ना मेरा एक ऑटोग्राफ फोटोग्राफ ले जाना मत भूलना, ओके? अरे मामा देखिए अंजलि जी आई हैं, उठकर इनका स्वागत कीजिए, कीजिए ना। बुरा मत मानेगा अंजलि जी, बेचारे मामा उठकर आपका स्वागत नहीं कर सकते आपकी वजह से। अरे जय बेटे, घर आए मेहमान के साथ, मेरा मतलब है हॉस्पिटल में आए मेहमान के साथ ऐसी बातें नहीं करते। आप इस बच्ची की बात को बुरा मत मानिएगा, आइए बैठिए ना। अरे अरे इसकी क्या जरूरत थी? एनीवे थैंक्स। अब बताइए मैं आपके और क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्लैक बेल्ट तो मैं बन ही चुका हूँ। देखिए प्रोफेसर साहब, मैं यूं ही बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। इस वक्त तो मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, ये तस्वीरें तुम्हारे लिए। थैंक यू। हैप्पी? आप जैसी हस्ती का मुझ जैसे आदमी के लिए इतना वक्त निकालना बहुत बड़ी बात अंजलि जी। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपने दूसरे प्रोग्राम भी कैंसिल कर दी है ताकि मैं आपसे रोज मिल सकूं। अरे आपने ऐसा क्यों किया? क्यों, आप मेरे लिए इतनी सारी हड्डियां तोड़वा सकते हैं तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? तब तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दो चार महीने इसी हॉस्पिटल में पड़ा रहूं। वो क्यों? ताकि आपसे रोज मुलाकात हो सके। मगर कभी ना कभी तो ठीक होना पड़ेगा ना मामा। अच्छा बाबा, ठीक होने के बाद हम इनके मैनेजर के पास चले जाएंगे और कहेंगे भैया दो चार हड्डियां और तोड़ दे। है कि नहीं? गुड मॉर्निंग। अरे आप? दिस इज फॉर यू। थैंक यू। आज आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं। ये सब आपकी कोशिशों का नतीजा है, आपकी देखभाल से कोई भी मरीज चंगा हो जाए। अब तो डॉक्टर ने भी जाने की इजाजत दे दी है, यहाँ कम से कम आपसे रोजाना मुलाकात तो होती थी। मुलाकात के लिए हॉस्पिटल से भी बहुत अच्छी जगह है। मसलन? यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम्हारे साथ तो मैं एवरेस्ट भी चढ़ जाऊं। एवरेस्ट? बाप रे, मैं तो एवरेस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्यों? सोचते मुझे ठंड लगने लगती है। वैसे ये जगह प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी है। है ना? प्रोफेसर साहब एक बात पूछो। श्योर, व्हाई नॉट। आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि कहीं आप मुझसे प्रेम तो नहीं करने लगे हैं। हाँ प्रेम तो करने लगा हूँ, लेकिन लेकिन मैं जानता हूँ कि ये एक सपना है। जब सपना टूटेगा तो मैं देखूंगा कि मैं कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर सागर भरद्वाज हूँ और तुम अंजलि हो, अंजलि मेरा, द फेमस सिंगर एंड डांसर। मान लीजिए कि मैं अंजलि मेरा नहीं हूँ, क्या तब भी आप मेरे साथ ऐसी जगह आना पसंद करेंगे? कहीं तुम
पहेलियां तो नहीं बजा रही? मैं सच कह रही हूँ सागर, मैं अंजलि मेहरा की जुड़वा बहन गीता मेहरा हूँ, एक ऑर्डिनरी म्यूजिक टीचर। अंजलि को शोज के लिए लंदन जाना पड़ा तो उसके कहने पर मैं अंजलि बनकर आपसे माफी मांगने के लिए आई थी। सच सच गीता, तुम नहीं जानती मैं आज कितना खुश हूं। मैंने एक नाम से प्रेम नहीं किया, मैंने तुमसे प्रेम किया, सिर्फ तुमसे। अब तो मेरा सपना साकार होगा ना? Thank you.
कुछ भी हमसे किया नहीं जाए, एक पल हमसे बिना तुम्हारे जिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए। Reporting on duty, Mrs. Bhardwaj. मर्द की जाति बेवफा होती है, पत्नी थी नहीं तो साले के साथ लग लिए। अरे ये साली है जी। अरे मुझे क्या पता कि आज यहाँ सीता और गीता का सीन हो रहा है, वरना आज की रात इस बिस्तर पे तो क्या इस कमरे में भी साली, वो भी हम शक्ल साली की, कोई गुंजाइश नहीं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि गीता वक्त पर आ गई, वरना आज तो अनर्थ ही हो जाता ना। अरे देख क्या रही हो, निकलो यहां से। अरे किसको ना। निर्दयी, क्या मुझे सुहाग की सेज से उठाकर इस अंजलि को मेरी जगह देने के लिए मेरे साथ सात फेरे लिए थे? देखो अंजलि, अब ये नाटक बंद करो। हाँ, ये सेज भी मेरी है और ये पति भी मेरे हैं। हे प्राणेश्वर, इसे सुहाग कक्ष से निकाल दो। अरे निर्लज, अपने बहनों पर मैली नजर डाल रही है। हे प्राणनाथ, मेरे अधिकारों, मेरे मान सम्मान की रक्षा करो और इसे कह दो कि इस कमरे से निकल जाए। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तू मुझे निकालकर मेरी सुहागरात पर कब्जा करना चाहती है? जा, निकल जाए यहाँ से। क्यों, मैं क्यों निकलूं? तू निकल जाए यहाँ से। अरे रे रे, बंद करो ये मारामारी। देखो देवियों, तुम दोनों में से मैंने एक से शादी की है, जो मेरी पत्नी है वो इस बिस्तर पर बैठ जाए और दूसरी यहां से चली जाए, प्लीज। है? अरे दोनों बैठ गई, ठीक है ठीक है, मैं तुम दोनों को स्वीकार करता हूं, एक दिन के लिए और एक रात के लिए। बेशरम बेहया, एक दिन के लिए चाहिए और एक रात के लिए। वाह वाह वाह, तुम पकड़ी गई ना। पकड़ी क्या गई? अरे तुम गीता किसी और कोई हो ही नहीं सकती। वो कैसे? वो इसलिए, दूसरी बीवी के नाम पर जिस तरह ये जली है ना, यूं जलना सिर्फ पत्नियों का ही जन्मसिद्ध अधिकार है। क्यों है ना यार? गीता, तू तो बड़ी जलकुकड़ी निकली यार, सारा खेल खत्म कर दिया। खैर अब मुझे चलना चाहिए, कल गुवाहाटी में मेरा शो है, लौट कर मुलाकात होगी। क्यों मेरी जान, ऑल द बेस्ट। अरे चूम कर चली गई। इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, जब मैं लौट के आऊंगी ना तो तुम भी मेरी चुम्मी ले लेना जीजा श्री यार। अच्छा अच्छा, अब सुनो, ये चुम्मी की वजह से इस तरफ का गाल भारी हो गया, तो जरा इधर चुम्मी देकर बैलेंस कर दो ना। अरे हट, अरे वाह, हट में मजा आ गया। प्रसाद भैया, आप अभी से खड़े हो गए हैं दरवाजे पर। वो बात ये है घसीटा कि भारतीय रेल और यहाँ के ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है ना, तो हम नहीं चाहते कि भैया जी आए और उनको हमें आवाज देनी पड़े। पूछो क्यों? क्यों? वो यूं
कि आज भाभी जी भी साथ में आ रही हैं और साथ में एक नौकरानी भी है, तो हम ये चाहते कि जैसे ही भाभी जी आए उनको दिखाई पड़े कि राम प्रसाद पुत्र दुर्गा प्रसाद तिवारी उनके स्वागत में आंखें बिछाए खड़े हैं। आंखें बिछाए है। बिछी हुई आंखें तो कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही है। तुम बक बक मत किया करो घसीटा, पूछो क्यों क्यों। अरे वो यूं कि तुम भाषा तो समझते नहीं हो ना, आंखें कोई दरी कालीन थोड़े ही जो कोई बिछा देगा है? अब टुकड़ टुकड़ क्या देख रहे हो, चलो चलो जाओ। और सुनो, रास्ते में कहीं चरस गांजे का दम मत लगा लेना भैया। हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है, आज पहली बार मालकिन घर में आ रही है और हम गंजोड़ियों के बीच बैठ के गांजा पियेंगे। हम ये गए और ये आए। बहुत समझदार, पधारो 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 गंजेड़ी बाबा। ये है हमारा शांति निकेतन जो हमारे दादाजी हमारे लिए बनाकर छोड़ गए, और साथ में ये राम प्रसाद, इनके बाप दादा तीन पुश्तों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। अरे राम प्रसाद देख क्या रहे हो, सामान निकालो ना। पहले हमको ये बतलाया जाए कि हम ये क्या देख रहे हैं। एक तो खैर भाभी जी हैं, पर ये दूसरी क्या चीज है। हाँ, ये तो बहुत बोलता है दीदी, क्या नाम है की। हमारा नाम राम प्रसाद तिवारी है और ये बात यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, पूछो क्यों। मेरी जूती को क्या पड़ी है पूछने की। हम आपकी जूती से वार्तालाप भी नहीं कर रहे हैं, पूछो क्यों। वो यूं कि हम बराबर वाले से बात करते हैं। भैया ये किसको पकड़ के ले आए हैं आप। अरे जैसे तुम मेरे राम प्रसाद हो वैसे ही तुम्हारी भाभी गीता की सीता है। समझ गया, आप जरा अलग हट के खड़ी हो जाओ कलयुग की सीता, पूछो क्यों। वो यूं कि हम नहीं चाहते कि भाभी जी पर बरसने वाले फूल फूल चूक से भी तुम पर पड़ जाए। हट जाओ हट जाओ। देखिए जीजा जी, इसको समझा दीजिए कि ज्यादा जुबान ना चलाए, नहीं तो क्या नाम है कि। अरे मुर्गी की वही एक टांग। हमारा नाम राम प्रसाद, पिता का नाम दुर्गा प्रसाद, कहो तो दादाजी का नाम भी बता दे। आई आई भाभी जी, स्वागत है स्वागत है भैया, स्वागत है। आई आई अंदर चलिए। अरे भैया सरदार जी सामान अंदर ले आना, चल हट। अरे वाह, घर तो बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। वो तो होगा ही, पूछो क्यों। क्यों? वो यूं कि मैं जो देखरेख करता हूँ। तू क्या देखरेख करता है, आज से सारी देखरेख मैं करूंगी। क्या नाम है। राम प्रसाद, कितनी बार बोलूं राम। अब ये कबड्डी बंद करो और खाने की तैयारी करो, चलो जी। अरे अरे वाह, राम प्रसाद ने हमारे स्वागत में कमरा ऐसे सजाया जैसे आज हमारी स्वागत हो। देखो गीता, रात होने में काफी देर है, क्यों ना हम सुहाग दिन मना ले। इतनी बेसब्री भी क्या है प्रोफेसर साहब। इसलिए कि आज आखिरी दिन है और कल से कॉलेज शुरू होने वाला है। हाँ, और आपको भी लड़के लड़कियों से फुर्सत कहाँ मिलने वाली है, खासतौर से लड़कियों से। मैं तो सिर्फ तुम्हारा पुजारी हूँ, सिर्फ तुम्हारा। सच? क्या कह रहे हो बेशरम। दोनों अपने हक का मांगा। घर में घुसते ही एक गिलास तोड़ दिया सीता मैया ने। नहीं दीदी, इसे जबरदस्ती मेरे हाथ पर टल्ला मारा। क्या नाम है कि। राम प्रसाद, राम प्रसाद नाम है मेरा। अब क्या हमें तुम्हारे लिए तख्ती पर अपना नाम लिखकर गले में लटकाना पड़ेगा। एक मिनट, राम प्रसाद भैया और सीता मैया, मेरी आप दोनों से एक ही विनती है, आइंदा जब भी इस कमरे में दाखिल हो तो दरवाजा खटखटा कर आए। क्यों, आप लोग कुछ प्राइवेट में थे क्या। प्राइवेट के बच्चे है? जब मालिक कहते हैं जाने को तो समझ लिया कर। क्या नाम है कि, चल। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आप समझ में आई प्राइवेट वाली बात, तो पहले बोलना था। कम वक्तों ने पूरी खराब कर दिया, चलो फिर से शुरू करो। 1 2 3 4 आज से इस घर में वही पकेगा जो मैं कहूंगी। तुम कौन होती हो राम प्रसाद पर हुक्म चलाने वाली, पूछो क्यों। वो यो कि मैं घर का सबसे पुराना नौकर हूं। तुम लोगों ने फिर झगड़ा शुरू कर दिया। अब देखो ना दीदी, मैं कहती हूँ कि आज बैंगन का भरता बनेगा, और ये क्या नाम है कि कहता है कि बैंगन घर पे आ ही नहीं सकता। बैंगन बिल्कुल नहीं आ सकता, पूछो क्यों। वो यूं कि भैया बैंगन को हाथ तक नहीं लगाते। नहीं लगाते तो ना लगाए, क्या नाम है कि। नहीं बताऊंगा। ओफो, तुम लोग भगवान के लिए अंताक्षरी बंद करो, नहीं तो मैं अपना नाम भी भूल जाऊंगी। तुम्हारे भैया बैंगन नहीं खाते ना, तो इस घर में बैंगन नहीं पकेगा। तो ठीक है, हमारी दीदी को भी पत्ता गोभी नहीं अच्छा लगता। मैं भिंडी नहीं खाता, घसीटा करेला नहीं खाता। हाँ, तो इस घर में करेला भिंडी पत्ता गोभी और बैंगन नहीं पकेगा, बस। गीता जल्दी करो,
ऑलरेडी देर हो चुकी है। बस अभी आई जी। सुनो सीता, आज के बाद तुम क्या नाम है कि नहीं कहोगी। और तुम भी राम प्रसाद, पूछो क्यों नहीं बोलोगे। समझ गए तुम लोग? चलो। लो आ गई तुम्हारी म्यूजिक एकेडमी। सुनो, शाम को मुझे पिकअप करने की जरूरत नहीं, मैं बाजार होते हुए घर आ जाऊंगी। ओके ओके। अच्छा सुनो, जरा नजदीक आओ। जरा नजदीक आओ ना, थोड़ा और नजदीक आओ। मैं समझ गई तुम्हारी बदमाशी। बाय। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। क्वाइट प्लीज। पार्टी मिलेगी, जरूर मिलेगी और जल्द मिलेगी। गीता, ये है हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर बोस, मेरी पत्नी गीता, मेरे मिसेस। नमस्ते। ये इसकी क्या जरूरत थी? आमिषी तो आपने देर आशीर्वाद चाहिए थी। अरे तुम्हारी पत्नी तो बंगाली बोल रही है सागर। हमें आशीर्वाद पूछी। तुम्हारे जीवन सुखी हो माँ। थैंक यू। अच्छा बैठिए ना, हमारे आने में थोड़ा सा देर हो गया। बेस्ट ऑफ लक सागर। थैंक यू सर। गीता, ये हमारे मैथ्स के प्रोफेसर मिस्टर अय्यर हैं, मेरी पत्नी गीता। नमस्कार। नमस्कार सर। हार्दिक बधाई हो अम्मा। थैंक यू। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंट। रुम्ब नंदरिंग है। अयो, तुम तमिल भी बोलते हो अम्मा? थोड़ा बहुत। अब बैठिए ना। श्योर, कम। मैं प्रोफेसर शर्मा हूँ मैम। गीता, ये हैं तो प्रोफेसर लेकिन अभी तक कमा रहे हैं। क्या करूँ भाई, भाभी जैसी खूबसूरत कोई लड़की कभी मिली ही नहीं जिससे नाता जोड़ सकूं। ये प्यार के रिश्ते जुड़ जाते हैं ब्रदर, जोड़े नहीं जाते। You're right. Be at home. Sure. भाभी, हम स्टूडेंट्स की तरफ से ये जॉइंट प्रेजेंट। थैंक यू। सिर्फ कोरे थैंक्स से काम नहीं चलेगा, हम सबको मालूम है बहुत अच्छा गाती है। We won't, won't. We won't. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। गीता, प्लीज ओब्लिज देम। कम ऑन प्लीज। हाँ ओके प्लीज। प्यार के रिश्ते जुड़ जाते हैं, जोड़े नहीं जाते। ये बंधन वो बंधन है जो तोड़े नहीं जाते। तरफ खींचते ही
आते हैं। दो दिल एक दूजे की तरफ खींचते ही आते हैं। सागरिका तो बड़ी होकर और भी प्यारी लगने लगी है, मेरी जरा देखो तो। रियली मैडम? अंजलि, अंजलि, आई हैव सम वंडरफुल न्यूज़। हमारे तीनों शोज कंफर्म हो गए हैं। ये देखो, पार्टी ने टिकट्स भी भिजवा दिए हैं। फर्स्ट लंदन, देन वेम्बली एंड देन मैनचेस्टर। दैट्स रियली ग्रेट। अंजलि, ये शोज इतने शानदार होने चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें लाइफ के लिए मिल जाए। उसकी फिक्र मत कीजिए पीडी साहब, मेरी भांजी सागरिका के लिए मुझे लंदन से एक वॉकी टॉकी डॉल लेनी है, मुझे याद दिलाइएगा। अरे दैट्स नो प्रॉब्लम माय डियर, एक डॉल क्या, तुम्हारी भांजी के लिए जितने डॉल्स चाहिए हम खरीद लेंगे। ऑलराइट, तुम लंदन जाने की तैयारी करो। ओके, बाय बाय, सी यू। बाय। अरे हमारी बिटिया रेडी हुई कि नहीं? बस एक मिनट पापा। अरे जल्दी करो नहीं तो बस निकल जाएगी। अरे बिटिया बिटिया तू देर करा दे। चलो बेटा, चलो चलो, आजा 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 बिटिया, आजा 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 आजा, चलो 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 चलो। बाय मम्मी, बाय पापा, बाय बेटा, बाय। अच्छा गीता, मैं भी चलता हूँ। अच्छा, मैं घर जल्दी लौटूंगा। क्यों, आज कोई खास बात है क्या? खास बात तुम क्या समझती हो, मैं इतना भुलक्कड़ हूँ कि अपनी शादी की सालगिरह भूल जाऊं? अरे वाह, तुम्हें याद था कि आज हमारी शादी की छठी सालगिरह? मैं तो तुम्हें सुबह ही करने वाला था, लेकिन क्या करूं, तुम्हारा मूड तो रात से बिगड़ा हुआ था। रात को पति देर से लौटे तो किस पत्नी का मूड खराब नहीं होगा? ओ माय डार्लिंग वाइफ, मैं आजकल देर से इसलिए आता हूं कि मुझे लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स लिखने पड़ते हैं, लेकिन आज मैं शाम को जल्दी आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय बाय।
हेलो। अरे यार ये क्या मरा मरा से हेलो बोल रही है, जरा जोर से बोलो ना हेलो ऐसा। अरे अंजलि तुम कहाँ से बोल रही हो? मुंह से बोल रही हूँ। लंदन से बोल रही हूँ यार। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। तुम्हें याद था आज का दिन? ऑफ कोर्स याद था, तभी तो फोन किया। अब जल्दी से मेरे जिज्जा जी को छोड़ो और मेरी बात कराओ फिर सागरिका से। सागरिका तो अभी अभी स्कूल गई है और तुम्हारे प्यारे जिजा जी अपना प्यार बरसाने कॉलेज गए हैं। अरे मेरी जान बाज आ जा तू अपने शक की तबीयत से। देखो गीता तुम दोनों का जीवन तो गंगा सागर की तरह है, जैसे सागर गंगा से मिलकर एक हो जाती है ना वैसे तुम दोनों हो। लेकिन अंजलि तुम ये क्यों भूलती हो कि सागर में कितनी नदियां आकर के मिलती हैं, जैसे गंगा सरस्वती कावेरी। पुराने जमाने में बौद्ध भिक्षु चित्रों की लिपि में अपना इतिहास लिखा करते थे। ज्ञान और विज्ञान ने मानव जाति के अनुभव की कोख से जन्म लिया है। May I come in, sir? Yes, come in. आज तुम फिर देर से आई हो कावेरी। I'm sorry, sir. अजंता और एलोरा गुफाओं की ये स्केचेस बौद्ध भिक्षुओं की दुनिया को बाहर की दुनिया से मिलाने का एक सुंदर और प्रभावशाली प्रयास है। लेक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग बट द लेक्चरर इज मोर इंटरेस्टिंग। वैसे भी इसी वजह से मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। फिर तो तू जरूर फेल होगी कावेरी, तू मेरी फिकर मत कर। 36, 26, 36 फिगर वालों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही पास हो जाते हैं। इसलिए जरा हम भी तो वो जोक सुने कावेरी जिस पे तुम्हें इतनी हंसी आ रही है। सॉरी सर, सर मुझे अजंता की नौलतों पे हंसी आ रही है। उन दिनों ये कितने कम कपड़े पहनती थी। उन दिनों में ये क्या पहनती थी, दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट। इन केव्स में ये मूर्तियां क्यों बनाई गई हैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। सॉरी सर, एक्चुअली कल रात को फ्लू हो जाने की वजह से मैं ठीक से सो नहीं सकी सर। आई एम सॉरी टू हियर दैट। वैसे भी आजकल हवा में फ्लू है, अपना ख्याल रखना और कल से अपने बदन को ज्यादा कपड़ों से ढककर आना। बुर्का पहन के आऊं सर? That's not a bad idea. It is good for you. सर, आपके लिए। मैं अभी आया। ठीक है सर। Excuse me, I'll just come. May I come in, sir? आओ सागर आओ। बैठो। भाई ये प्रोफेसर अय्यर को क्या हो गया? 3 दिन से गायब हैं। सुना है उनकी तबीयत ठीक नहीं है सर। उन्होंने अभी तक मैथ्स के पेपर सेट नहीं किए हैं, एग्जाम सर पे खड़े हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं कॉलेज के बाद सीधा ही उनके घर चला जाता हूं। भाई उनसे कहना हमारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, पेपर कब सेट होंगे, कब प्रिंट होंगे। डोंट वरी सर, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलूं? ओके। मुझे इससे पहले अय्यर के घर जाना है, तुम जाओ। सर उनका घर तो बिल्कुल मेरे घर के नजदीक है। कम ऑन सर, लेट्स गो, कम ऑन। वाह सागर साहब, बड़े किस्मत वाले हो। क्लास में मेरी बात का बुरा तो नहीं मान गए सर? नहीं नहीं, उल्टा मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। इट्स ओके सर, इट्स रियली नथिंग। अरे सर आप तो भीग रहे हैं, जरा और नजदीक आ जाइए। मौसम कितना अच्छा हो गया है सर। मेरा घर आ गया सर। अरे आप तो बिल्कुल भीग गए हैं, थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाइए। हैव अ कप ऑफ कॉफी। आइए साहब के घर बाद में चले जाइएगा। ख्याल बुरा नहीं, कॉफी की महक मेरी नाक में अभी से आ रही है। कम इन सर। आइए
रही है सर। थैंक यू। मम्मी डैडी हैं घर में? वो दोनों तो पार्टी में गए हैं। ठीक है, तुम कॉफी बना के लाओ। जी मैं जरा चेंज करके आती हूँ सर, आप बैठिए। ओके। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? सर्दी लग जाएगी सर। लेकिन ये काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। लीजिए सर। थैंक यू। एक बात बताऊं सर? हाँ बताओ। सर, इस कॉलेज में मैंने एडमिशन आप ही के लिए लिया है, क्योंकि मैं अगली टीचर से पढ़ ही नहीं सकती। पर जब मुझे पता लगा कि आप शादीशुदा हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं कई दिनों तक सुसाइड करने की सोचती रही। कावेरी, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम सिर्फ सुसाइड करने के बारे में सोचती रही। सर, हाँ? I think I'm in love with you. Oh, एक मिनट, यहाँ बैठो, आओ, यहाँ बैठो। Love के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो। You should fall in love with your studies. लगता है बारिश काफी कम हो गई है। Thanks a lot for the coffee. मैं तुम्हारे छाता ले जाऊँ? Sure. Thank you. तुम मुझे इस तरह ठुकरा नहीं सकते। You can't reject me like this, you handsome professor. मम्मी, आप हर साल शादी की सालगिरह क्यों बनाती हैं? क्योंकि आज के दिन की वजह से ही हमें हमारी पाली पाली बेटी मिली। मतलब जो भी शादी करता है उन सबको बेटी मिलती है? हाँ, मेरी दादी अम्मा। अच्छा सुनो, जैसे तुम्हारे डैडी आते हैं, तुम्हें क्या कहना है मालूम है ना? हैप्पी एनिवर्सरी। दैट्स माय बेबी। मोमबत्ती जलाऊं? अरे अभी नहीं, जब साहब आ जाए तब जलाना। अच्छा। तबीयत इतनी खराब थी तो मुझे बुलवा लिया होता यार। इतनी भी खराब नहीं थी यार। हाँ वो मैं देख रहा हूँ, बुखार ज्यादा नहीं, 300-400 डिग्री होगा। हंसो मत, नहीं तो लंग्स में दर्द होने लगेगा। मैथ्स का पेपर ना सेट होने की वजह से प्रिंसिपल साहब रोज हार्ट अटैक से बाल बाल बच रहे। बाल बाल? यार मेरी समझ में ये नहीं आया यार कि हार्ट अटैक का बालों से क्या संबंध। सच पूछो तो मेरी समझ में भी नहीं आया। भैया कॉफी पीजिए। थैंक यू भाभी, थैंक यू। लो कॉफी पियो और मैथ्स का पेपर सेट करो। तो तुम जाकर सो जाओ। फिर डैडी को हैप्पी एनिवर्सरी कौन बोलेगा? कोई नहीं बेटा, तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट मेरी जान। हेलो। हेलो, मिसेस सागर बोल रही है। प्रोफेसर सागर घर में है? भाभी नहीं है। मैं कावेरी हूँ, प्रोफेसर सागर की फेवरेट स्टूडेंट कावेरी। मैंने फोन इसलिए किया था कि प्रोफेसर सागर अपना कोट भूल गए हैं। वो यहाँ आए थे, बहुत देर तक थे। मैं उनका कोट लॉन्ड्री में धुलवा कर ले आऊंगी। ओके। सीता, राम प्रसाद जी, ये केक उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दो। भाभी जी थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, भैया आते ही। तुम्हारे भैया कहाँ हैं? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जैसे मैंने कहा वैसे करो। जीजा जी आप आ गए। सीता, तुम्हारी दीदी कहाँ? अभी अभी अपने कमरे में गई है। Happy wedding anniversary, darling. मत छेड़ो मुझे। आधी रात तक जहाँ थे
बाकी रात भी वहीं गुजार लेते। गीता, मैं मिस्टर अय्यर के यहाँ से आ रहा हूँ। झूठ मत बोलो, थोड़ी देर पहले तुम्हारी प्रियतमा ने खुद मुझे फोन किया था। अरे ये चंद घंटों में मेरी प्रियतमा कहाँ से आ गई? इतने अनजान मत बनो सागर, कावेरी सक्सेना ही नाम है ना उसका। कावेरी? अरे वो तो मेरी स्टूडेंट है। स्टूडेंट नहीं, प्रेमिका कहो। यकीन मानो गीता, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। वास्ता नहीं था तो उसके घर क्या करने गए थे? गीता तुम्हें मालूम है कि मेरी कार खराब हो गई है। जब मैं कॉलेज से निकला तो बारिश शुरू हो गई थी, मुझे प्रोफेसर अय्यर के यहाँ पहुंचना था, इसलिए बारिश से बचने के लिए उसने मुझे अपने छाते में थोड़ी सी जगह दे दी थी। उसने अपने छाते में जगह दे दी? क्या तुम जानबूझकर उसके साथ गए ताकि बारिश के बहाने उसके घर जाकर? छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। देखो गीता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था? तुम्हारा कोट कहाँ है? हुआ ऐसे के मेरा कोट गीला हो गया था, इसलिए तुम्हारी कावेरी ने उसे उतार लिया। कोट के साथ और भी कपड़े गीले हो गए होंगे ना, उसे नहीं उतारा उसने? गीता चिल्ला मत, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। Thank you.
हेलो पीडी हियर। हाँ राघव बोलो बोलो बोलो। क्या क्या बकते हो? बोलो मैं सुन रहा हूं। हाँ ठीक है मैं उसे देख लूंगा। थैंक यू राघव। आप लोग जरा दो मिनट के लिए बाहर जाइए। चलो बाहर जाओ। क्या हुआ पीडी साहब? बॉम्बे कस्टम्स वालों को खबर मिल चुकी है, अब वो हमारे एक एक इंस्ट्रूमेंट की तलाशी लेंगे। इसलिए ये हीरे इन इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं जा सकते। तो फिर ये हीरे जाएंगे कैसे? अंजलि के डॉल में जाएंगे। वेरी गुड आइडिया। लेकिन बम्बई के कस्टम वालों को खबर किसने दी? उस हराम साधे गोपीचंद ने। गोपीचंद? हाँ, कल ही वो मुझे अपना कमीशन बढ़ाने के लिए कह रहा था। कल वो अपना कमीशन बढ़ाने के लिए कह रहा था ना? अब मैं उसको डबल कमीशन देने उसके कमरे में जाऊंगा। जैसे ही मैं उसे कमीशन दूंगा, वो खुश होकर मुझे ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करेगा। थैंक यू। बैठिए, मैं आपके लिए ग्लास लेकर आता हूँ। मगर जैसे ही वो ड्रिंक बनाने के लिए उठेगा, मैं उसके ग्लास में स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग डोज डाल दूंगा। ऐसा स्लीपिंग डोज जो पोस्टमार्टम के बाद भी ट्रेस नहीं होता। थैंक यू, यू आर ए गुड मैन। यस। वो अपना ड्रिंक पीते ही जमीन पर लौटने लगेगा और दम तोड़ देगा। और फिर मैं उसके कपड़े उतार कर उसे बाथटब में डाल दूंगा। Come in. Oh, Piri Saab, come on in. I'm almost done. Anjali, I have some very bad news. Ek bahut buri khabar hai. Kyun? Kya baat ho gayi? Gopichand ka intiqal ho gaya. What? Lekin kaise? Anjali, wo tumhare show mein aane ke liye taiyar ho raha tha ki nahate nahate achanak use heart attack ho gaya aur heart attack? Lekin kal tak to wo bilkul theek the. I know, lekin dekho maut par किसका बस चलता है? I know. लेकिन अब उनके अंतिम संस्कार का क्या होगा? हाँ, यहाँ की इंडियन कम्युनिटी की मदद से उसके अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम हो गया। Oh, that's good. अंजलि जी, ये रही आपकी डॉल। थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? पैक कर रही हूँ। नहीं नहीं, इसे बैग में मत रखो। लोडिंग और अनलोडिंग में बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। इसे अपने पास रखो। You're right. अंजलि, हमारी फ्लाइट 7 बजे की है, प्लीज बी रेडी। आई विल बी रेडी। अंजलि ग्रुप का इंचार्ज कौन है? जी हम। आप अपने आदमियों से कहिए कि सारा सामान और बैगेज लेके मेरे साथ चले। लेकिन क्यों? प्लीज चलिए, आइए। अच्छा, आप लोग अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और अपने बैग्स लेकर वहां रख दें। ओके सर। पीडी साहब, ये क्या है? कस्टम वाले हमारे ग्रुप को अलग रुकने के लिए क्यों कह रहे हैं? आई मीन, आई डोंट नो। लेकिन अंजलि, तुम एक काम करो, तुम अपना सामान लेकर ग्रीन चैनल से चली जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। नहीं, मैं कस्टम ऑफिसर से खुद बात करती हूँ। लेकिन अंजलि। ऑफिसर, मैं, ओह माय गॉड, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खोल डाले आपने, ये क्या कर रहे हैं आप? मैडम, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। मगर ऑफिसर, मैं पहली बार तो फॉरेन से नहीं लौटी हूँ। यू नो समथिंग, आज तक मेरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तलाशी नहीं ली गई। वी आर सॉरी अंजलि जी, दरअसल हमें खबर मिली थी कि आपके ग्रुप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में 50 लाख के हीरे आ रहे हैं। वाह, 50 लाख के हीरे?
कमाल। This is ridiculous. ये खबर आपको किसने दी? नहीं नहीं, फिर तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। आप एक एक इंस्ट्रूमेंट की तलाशी लीजिए और ये मेरे डॉल की भी तलाशी लीजिए। ये डॉल मैंने अपने भांजे के लिए खरीदी है, अगर आप चाहें तो इसे भी खोल के देख सकते हैं। मैं दूसरी ले लूंगी। इट्स अ ब्यूटीफुल डॉल है ना, इसे खोल के देखने की जरूरत नहीं। आर यू श्योर? लीजिए। थैंक यू। पीडी साहब, मेरा सामान। हाँ अंजलि, हम तुम्हारा सब सामान संभाल लेंगे। हम लेके आते हैं। आप जाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम। हेलो अंजलि। ओ पीडी साहब, कहिए, कस्टम्स में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? अरे गड़बड़ क्या, बस तंग करते हैं। देखो मैं अभी तक एयरपोर्ट पर था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्या मालूम, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। मगर इन्फॉर्मेशन तो उनके बारे में दी जाती है जो कोई गैर कानूनी काम करते हो। हम लोग तो कितनी बार अब्रॉड गए हैं, उस वक्त तो किसी ने चेक नहीं किया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, करता कोई और है और तकलीफ किसी और को उठानी पड़ती है। शुक्र है तुम्हारी डॉल को किसी ने नहीं छेड़ा। हाँ। अंजलि, वो डॉल कहाँ है? तुमने अपनी बहन के यहाँ भिजवा दी? नहीं तो, ये रही। इसे मुझे दे दो, मैं कुरियर से गीता के यहाँ भिजवा देता हूँ। ओह रियली, दैट वुड बी वेरी नाइस। लेकिन पीडी साहब, इसे आज ही भिजवा दीजिएगा, सागरिका इसे देखते ही खिल उठेगी। तुम बेफिक्र रहो, मैं इसे आज ही भिजवा दूंगा। थैंक यू। ओके अंजलि, मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय। और ये हम क्या देख रहे हैं, जूते पे टूथब्रश चमकाया जा रहा है? क्या? मेरा मतलब है कि टूथब्रश से जूता चमकाया जा रहा है। हम अभी भाभी जी को शिकायत करते हैं। कर दो। अच्छा कर दो। भाभी जी देखिए, सागरी का बिटिया जूते से टूथब्रश, मेरा मतलब टूथब्रश से जूता चमका रहे हैं। जरा देखिए। ये क्या सागरी का, तुम अपने जूते टूथब्रश से पॉलिश कर रही हो? मम्मी ये टूथब्रश मेरा नहीं है। तो फिर किसका है? आपका। पकड़ी गई। सागरी का भारद्वाज के लिए पार्सल है। अच्छा राम प्रसाद जी, जरा से खोलो तो। मम्मी क्या है उसमें, देखो ना। हाँ देखती हूँ। अल्ले, देखो तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे लिए कितनी क्यूट डॉल भेजी है। कितनी सुंदर है ना। हाँ बेटा, अब मैं पापा को दिखा के आई। अच्छा। अरे भैया ऊपर नहीं बाहर हैं। तुम्हारे भैया बाहर क्या कर रहे हैं? वही गाड़ी की मरम्मत। भाभी जी हम तो कह कह कर थक गए। पूछो क्या कह कर थक गए? वो ये कि ये गाड़ी बिना गराज जाए ठीक नहीं हो सकती। कोई सुने तो। गाड़ी खराब नहीं रहेगी तो कॉलेज की लड़कियों से लिफ्ट कहाँ से मिलेगी? मैं आप? मैं कावेरी, कावेरी सक्सेना। ओह, उस रात आप ही ने फोन किया था ना? जी। अपनी मौसी से कहना ऐसी एक डॉल मुझे भी लाकर दे। यस पापा। जाकर खेलो। अरे कावेरी, तुम कैसे आई? सर आपका कोट वापस करने आई थी, उस रात को आप मेरे घर ही भूल गए थे। लीजिए। थैंक यू। गीता ये कावेरी है। कावेरी, मीट माय वाइफ गीता। भाभी जी से तो उस रात ही फोन पर बात हो गई थी। क्या लीजिएगा, चाय या कॉफी? नहीं भाभी, कुछ नहीं। राम प्रसाद जी भैया, कॉलेज जाने के लिए टैक्सी लेकर आऊं। जी भैया अभी लाया। टैक्सी की क्या जरूरत है सर? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैं लाई हूँ ना कार, आप मेरे साथ चलिए सर, मैं भी कॉलेज ही जा रही हूँ। नहीं नहीं कावेरी, तुम तकलीफ क्यों कर रही हो, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा। कम ऑन सर, जब मैं जा ही रही हूँ कॉलेज तो आप टैक्सी में क्यों जाएंगे? बात ये है कि मुझे रास्ते में काम भी है। मैं वेट कर लूंगी। कम ऑन सर, चलिए ना। ओके भाभी। मैंने आप सबको एक बहुत अच्छी खबर सुनाने के लिए बुलाया है। 3 महीने के बाद आप सबको इस बूढ़े से छुट्टी मिल जाएगी, यानी कि मैं रिटायर हो रहा हूं। अरे नहीं नहीं सर, ये कोई अच्छी खबर नहीं है, ये तो दुख की बात है। जब आज का सूरज डूबता है तभी कल के सूरज के लिए आसमान खाली होता है। लेकिन सर ये कल का सूरज है कौन, जान सकता हूं? प्रोफेसर सागर भारद्वाज जी। यू मीन? हाँ, कल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में यही फैसला हुआ कि मेरे बाद इस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर भारद्वाज ही होंगे। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुबारक हो सागर। मुबारक हो सागर। बहुत बहुत मुबारक हो सर। शर्मा जी के वाइस प्रिंसिपल होते हुए भी
अय्यर साहब शर्मा जी तो वाइस प्रिंसिपल रहेंगे ही और अपने तजुर्बे से हर कदम पर इनकी हेल्प करेंगे। क्यों शर्मा जी? जी, हमेशा। बहुत किस्मत वाले हो भाई, आज तो पार्टी होनी चाहिए। पार्टी जरूर होगी मगर आज नहीं, क्योंकि आज मैं लाइब्रेरी में जरा बिजी हूँ, कल के लेक्चर के लिए, फिर कभी। ओके। गुड इवनिंग सर, सुना है आप प्रिंसिपल बनने वाले हैं? कांग्रेचुलेशन सर। प्रिंसिपल मैं नहीं, प्रोफेसर भारद्वाज बनने वाले। रियली? बट ही इज अ स्ट्रिक्ट मैन सर। क्यों? तुम्हारे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहां सर, वो तो हमारी तरफ देखते भी नहीं है। नहीं देखते? चलो आओ। ये क्या हो जाकर, आज तुमने फिर दारू पी? सर मैंने दारू छोड़ दी सर। बकवास, मैंने तुम्हें कई बार छोड़ दिया लेकिन आज मैं तुम्हारी शिकायत करके रहूंगा। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर। मैंने बच्चों की कसम सर, अब मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा सर। फिर कभी पी तो? अब कभी नहीं पीऊंगा सर। चलो गेट आउट, गेट आउट। सर। अरे तुम कब आई? मुझे तो तुम्हारे आने की खबर ही नहीं हुई। मुझे यही तो शिकायत है सर कि आपको खबर ही नहीं होती। मैं भी एक लड़की हूँ, कांट यू सी? अरे ये कैसी बातें करने लगी तुम? आज मुझे बोलने दीजिए सर, कॉलेज बंद हो चुका है, सब लोग चले गए हैं, ये मौका बार बार नहीं आएगा। कावेरी, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती सर? क्या मेरी फिगर आपको अट्रैक्ट नहीं करती? बरसात के दिन हम पहली बार मिले थे और आज भी बरसात है, मुझे अपनी बाहों में ले लीजिए सर। होश की दवा करो। होश तो मैं उस दिन से खो बैठी हूँ जिस दिन पहली बार आपको देखा था। दिन में बेचैन रहती हूँ, रात को सो नहीं पाती, सोती हूँ तो बस आपके सपने देखती हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ सर, मुझे अपनी बाहों में ले लो, मेरे दिल की प्यास बुझा दो। Get out! I said get out! घबराओ मत कावेरी, प्रोफेसर भारद्वाज के साथ इस मामले में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मैं कमिंग सर। कमिंग। आपने मुझे बुलाया? जी बैठिए। प्रोफेसर भारद्वाज, आप इतनी घटिया हरकत भी कर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या किया है मैंने? आपको लगता है आपने? शर्मा जी प्लीज, मुझे कहने दीजिए। कावेरी का कहना है कि आपने कॉलेज के बाद उसे पढ़ाई के बहाने लाइब्रेरी में बुलाया और वहां उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। ये फटा हुआ ब्लाउज और साड़ी इसका सबूत है। फटा हुआ ब्लाउज और साड़ी टेबल पर रख देने से ये तो साबित नहीं हो जाता कि मैंने इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की? सर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। कहिए। मिस्टर सागर भारद्वाज इस कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर हैं और आज तक किसी भी लड़की ने इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। शिकायत तो सीताहरण के पहले रावण के खिलाफ भी किसी को नहीं थी। आदमी को बिगड़ते देर नहीं लगती सर। शुक्र है ये सारी बातें इस बंद कमरे में हो रही हैं। अगर ये बातें इस कमरे से बाहर गईं, तो हमारे समाज की बुनियाद ही हिल जाएगी। टीचर गुरु भगवान का रूप होता है सर, बलात्कारी का नहीं। आपने तो अच्छा खासा लेक्चर दे दिया। इस लड़की से पूछिए, कल लाइब्रेरी में आकर मुझसे लिपट कर कैसी हरकतें करने की कोशिश कर रही थी, पूछिए इससे। आप ये कहना चाहते हैं इस लड़की का चरित्र ही खराब है और आप एकदम निर्दोष? जी हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर। एक पत्नी से बढ़कर पति को कोई नहीं जान सकता, इसीलिए मैंने फोन करके इनकी पत्नी को यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट किया। मेरी पत्नी को? जी वो आती हूँ। कम इन। आइए गीता जी बैठिए। आपको यहाँ आने की तकलीफ थी
माफी चाहूंगा। कावेरी ने आपके पति के खिलाफ जो इल्जाम लगाया है वो तो आपको मालूम पड़ गया होगा। जी, शर्मा जी ने मुझे फोन पर बताया था, लेकिन मैं सारी कहानी इस लड़की के मुंह से सुनना चाहती हूँ। कावेरी, बताओ इन्हें। मैंने क्लास में सर से कुछ पूछना चाहा, तो इन्होंने बोला कॉलेज आर्ट्स के बाद वो लाइब्रेरी में होंगी, मैं वहीं उनसे मिलूं। मैं वहां गई, उस वक्त सर अकेले थे, इन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और बातों ही बातों में मुझे लिपटा लिया। मैंने बचना चाहा, तो इन्होंने मेरा ब्लाउज फाड़ दिया और गीता यकीन करो, ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है। कॉलेज के वॉचमैन उजागर ने सब कुछ देखा है सर, आप उसी से पूछ लीजिए। उजागर, वो क्या बताएगा, वो शराबी तो लाइब्रेरी में शराब पीकर पड़ा हुआ था, मैंने उसे धक्के मार कर निकाल दिया। तुमने कल जो कुछ देखा बताओ। सर जी, मैंने देखा कावेरी बिटिया सागर साहब की बाहों में तड़प रही थी और दरवाजा अंदर से बंद था। ये सारा मामला मैंने की होल से देखा। तुम जा सकते हो। गीता, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता सर, इन दोनों के बारे में मुझे पहले से शक था। गीता, मुझे इजाजत दीजिए। प्रोफेसर भारद्वाज, जब तक इस मामले की पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती मैं आपको सस्पेंड करता हूं। मम्मी मम्मी, आपने हमारे कपड़े क्यों नहीं रखे अपने साथ, हम भी चलेंगे आपके साथ। नहीं बेटा, मैं तुम्हें बाद में कर ले जाऊंगी। नहीं मम्मी, हम भी आपके साथ चलेंगे, ले चलिए ना प्लीज मम्मी। सागरिका, दीदी टैक्सी आ गई। थोड़ा धीरज से काम लीजिए। हाँ दीदी, हमें लगता है भैया निर्दोष है, जरूर उनके खिलाफ। बाहर ये टैक्सी किसके लिए आई है? मेरे लिए। पापा देखो ना, मम्मी मौसी क्या जा रही है, हमें नहीं ले जा रही। सागरिका, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हें बाद में आकर ले जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। गीता, मुझे अपनी सफाई देने का मौका नहीं दोगी? अब सफाई देने की कोई गुंजाइश नहीं बची है सागर, मैं अंजलि के पास जा रही हूँ। सागरिका की इम्तिहान बाकी है, इसलिए फिलहाल मैं उसे तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। नहीं मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ले चलो। सागरिका जिद नहीं करते बेटे, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होते ही मैं तुम्हें खुद आकर ले जाऊंगी, ठीक है? पापा मम्मी को रोको ना, पापा मम्मी को रोको ना। अब तुम्हारी मम्मी नहीं रुकेगी बेटा। आओ अंजलि, आओ आओ। देखो सब ठीक है ना? लुक्स फाइन टू मी। अंजलि, तुम्हारी बर्थडे पार्टी बहुत शानदार होने वाली है। लेकिन पीडी साहब, आपको कुछ लाइट्स कम नहीं लग रही? अरे बड़ी पूरी लाइटें लगी कहाँ है? ओह डोंट वरी अंजलि, ऐसी जगमगाहट होगी कि सबकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। अच्छा। अंजलि प्लीज गेट रेडी। ओके। मेहमान आते ही होंगे। ओके। सी यू। नमस्कार पीडी साहब। गीता, हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे मैडम। अरे हाँ, आज तो आपका भी बर्थडे है। जी। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, ये बैग मुझे दे दीजिए। थैंक यू। कम इन, कम इन, कम इन। अंजलि, अंजलि देखो कौन आया है। कौन आया पीडी साहब? अंजलि, गीता, गीतू मेरी जानू। हाय। अरे जीजा जी और सागरिका नहीं आए? सागरिका के एग्जाम्स थे और सागर जरा से बिजी थे, इसलिए मैं अकेली चली आई। बहुत अच्छा किया पीडी साहब, आज हम दोनों अपना जन्मदिन मनाएंगे, बहुत दिनों बाद ये मौका आया है। वंडरफुल, यू मोस्ट वेलकम गीता। चल गीता ऊपर चले। मकदानी कम हियर प्लीज। देखो लाइट्स कुछ ज्यादा ही लगाना, घर का हर कोना कोना रोशन हो जाना चाहिए, आज एक नहीं दो बहनों का जन्मदिन है।
ये दोनों बहनें तो एक ही जैसी हैं। My God, exactly alike. इन दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है। आप दोनों में से अंजलि जी कौन है? यही तो एक पहेली है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की ये खूबसूरत महफिल सिर्फ गीता के जन्मदिन की खुशी में ही नहीं बल्कि मेरी बहन अंजलि के जन्मदिन की खुशी में भी है। मगर कौन गीता है और कौन अंजलि, इसका फैसला आपको करना होगा। और जो भी सही फैसला करेगा वो हमारी तरफ से बर्थडे किसका हकदार होगा। मैडम, अभी अभी आपने कहा था कि आज की खूबसूरत महफिल मेरी बहन अंजलि के जन्मदिन की खुशी में भी है, यानी कि आप अंजलि हैं और आप गीता। मैडम, अब तो आपको वादे के मुताबिक बर्थडे किस देना ही पड़ेगा। सबसे पहले किस मैं करूंगा। आई एम सॉरी जेंटलमैन, बर्थडे किस न इन साहिबान की किस्मत में है न आप लोगों की किस्मत में है। आई एम सॉरी। लेकिन क्यों? मैंने जानबूझ के अंजलि की मुझसे कहलवाया था ताकि आप लोग धोखा खा जाएं। अरे अरे, मगर आप लोग निराश मत होइए, बर्थडे किसने सही, आप सबको बर्थडे केक जरूर मिलेगा। Yes, of course, of course. Cut the cake, please. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gita Anjali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Have it down. मम्मी को हैप्पी बर्थडे, आप उनको हैप्पी बर्थडे नहीं करेंगे प्लीज पापा? ओके बेटा। कोई बात नहीं, कल सुबह उठकर फोन कर लेंगे। अब चलकर सोते हैं। I'm not afraid.
से ज्यादा फिलॉसफी की बातें करने लगी है। हाँ नीचे चल, जोर की आंधी आने वाले, चलो। आ बैठो। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ये अचानक तुझे क्या हो गया है? शाम तक तो अच्छी खासी थी। शाम को आई थी तो तेरी पार्टी की तैयारियां चल रही थी, इसलिए मैं अपने आंसू पी गई। यार गीता ये पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि चक्कर क्या है। सागर क्यों नहीं आए? और सागरिका, वो तो तुम्हारी जान है, उसे कैसे छोड़ाई? उसे इसलिए छोड़ाई क्योंकि उसके एग्जाम सर पर थे, और सागर इसलिए नहीं आए क्योंकि क्योंकि सिंदूर की डिबिया मैं कचरे के डब्बे में फेंक कर आई हूं। उसने मुझे धोखा दिया है अंजू। धोखा? सागर ने? इम्पॉसिबल। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगता था, मतलब शादी के 2 साल बाद तक। लेकिन जब 24 घंटे साथ रहना पड़ता है ना अंजू, तो धीरे धीरे असलियत सामने आ जाती है। वो देर से घर आने लगे थे, मैं उनसे पूछती कि देर क्यों हो गई, तो जवाब मिलता कि मैथ्स के प्रोफेसर के साथ देर हो गई। मगर एक दिन मेरी जिंदगी के अमृत की कटोरी में चीटी मक्खी की तरह कावेरी आ गई।
तो मैं उसे निगल नहीं पाई। कावेरी, मगर मेरी जान, तू तो, मैं जानती हूँ कि मैं शक की हूँ, मगर ये शक नहीं है अंजू। मेरे शक ने कावेरी बनकर कॉलेज के बोर्ड के सामने ये बयान नहीं दिया था कि सागर ने उसे लाइब्रेरी में रेप किया था। रेप? हाँ, और सागर को मेरी शक की आदत ने कॉलेज से सस्पेंड भी नहीं किया है। मैंने बहुत चाहा कि मैं सब बातें नहीं मानूं, लेकिन तुम ही बताओ अंजू, कैसे नहीं मानूं? फिर भी सागर जैसे सिंपल आदमी के कैरेक्टर के साथ ये बातें कुछ मैच नहीं कर रही हैं। देखो गीता, मैं तुम्हारी बहन हूं, इसलिए मैं तो वही चाहूंगी जिसमें तुम्हारी भलाई हो। लेकिन मुझे एक मौका दो कि इन सब बातों की जांच मैं खुद कर सकूं। क्या करना चाहती हो? सुनो, आज हमारी पार्टी में लोगों ने हमें पहचाने में गलती की ना, तो तुम यहाँ अंजलि मेहरा बनकर रहो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, और मैं जाऊंगी तुम्हारे घर गीता भारद्वाज बनकर। ये लो भैया। हे भगवान, कहीं गड़बड़ हो जाए तो संभाल लेना। भाभी जी, आप हो गई ना छुट्टी? ये घसीटा है ये राम प्रसाद। तुम्हारा नाम है? तो आप हमारा नाम भी भूल गई? लगता है हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई। हमने भगवान शंकर के मंदिर में मन्नत मांगी थी कि भाभी जी को जल्दी से भैया के पास बुलवा दे तो हम 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब हम भी ठहरे बेवकूफ, पूछो क्यों? हाँ, मुझे तुम्हारा नाम याद आ गया, पूछो क्यों। क्यों? वो यूं कि पूछो क्यों कहने वाला राम प्रसाद के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। देखा, यही तो चमत्कार है शंकर भगवान का। आइए भाभी, अंदर आइए। और ये सूटकेस हमें दे दीजिए। आइए। राम प्रसाद जी, तुम्हारे भैया तो कॉलेज गए होंगे ना? कॉलेज? हाँ? भाभी जी, आप ये भी भूल गई क्या? यही कि भैया कॉलेज नहीं जाते आजकल, उन पर झूठा इल्जाम लगाकर उनको। और सागरिका तो स्कूल गई होगी। हाँ, मगर सागरिका बिटिया की तबीयत ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, स्कूल से फोन आया था कि आकर ले जाओ, तो सीता मैया गई है लाने। लीजिए, वो आ गई। अरे दीदी, मेरा बच्चा। मम्मी आप कब आए? बस अभी भी आए हैं बेटा। क्या हो गया था मेरे रानी बिटिया को? बीमार हो गया था। हाँ मामी, मगर आपको देखकर कि बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी जान। मम्मी, आप फिर से हमें छोड़ के नहीं जाएंगी ना कभी? नहीं बेटा, कभी नहीं जाऊंगी। चलो अब मैं तुम्हें दूध पिला के सुला देती हूँ, ठीक है? मगर आपको भी मेरे साथ सोना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आज से हमेशा हम अपनी बेटी के साथ सोएंगे तुम्हारे कमरे में, ठीक? हाँ मम्मी। चलो दीदी, आप सफर से आई हैं, कुछ खा लीजिए। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, पहले मैं सागरिका को दूध दूध पिलाकर उसे सुलाऊंगी, है ना? तुम सागरिका के कमरे में दूध ले आना। हाँ ठीक है दीदी। चलो 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 चलो। लेकिन सागरिका का कमरा कौन सा है? सागरिका, चलो हम दोनों एक खेल खेलते हैं। हाँ? मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और तुम मुझे अपने कमरे तक ले जाना। हाँ मम्मी। हाँ? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हाँ? चलो चलो। भाभी जी के आने से कितनी खुश हो गई हमारी सागरिका बिटिया, पूछो क्यों? इसलिए कि घर में वापस रौनक आ गई है। क्या नाम है की? अरे अब तो हमारा नाम याद हो गया होगा, राम प्रसाद। सागरिका कहाँ है? सो गई जीजा जी। सो गई? इतनी जल्दी? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? अभी तो ठीक है, लेकिन स्कूल में तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ था? जरा सा बुखार, लेकिन दीदी को देख के एकदम गायब हो गया। दीदी यानी गीता? वो कब आई? दोपहर में। कहाँ है? पिटिया के कमरे में। Thank you.
हेलो गीता, मैं बोल रही हूँ। हाय अंजलि। अच्छा सुनो, जीजा जी अभी अभी कमरे में आए और किस करके चले गए। किस करके चले गए? किसे? सागरिका को यार। सुनो अंजलि, सागरिका अपनी मम्मी को याद नहीं करती? ओह, मैं तो भूल ही गई, इस वक्त तुम्हें उसकी मम्मी हो ना। सागर को शक तो नहीं हुआ? वो तो सुबह ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल तो सब कुछ अपनी प्लान के मुताबिक चल रहा है। आगे जैसे जैसे होता रहेगा मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। हेलो अंजलि। अरे पीडी साहब, आप इतनी रात गए? हाँ, ये मूर्ति मुझे आज ही मिली, मैंने सोचा तुम्हें देता चलूं। और वैसे भी ये मूर्ति तो लेकर जानी ही है। कहाँ? बैंकॉक माय डियर, तुम्हें याद नहीं है? हमारे दोस्त मिस्टर लाल रहते हैं वहां पर, उन्होंने ये नटराज की मूर्ति मंगवाई थी। बैंकॉक में? अंजलि, तुम्हें अचानक हो क्या गया है? तुम्हारे ही कहने पे मैंने बैंकॉक में मिस्टर लाल से शो परफॉर्म करवाया था। आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, मैंने ही तो आपको कहा था बैंकॉक जाने के लिए। लेकिन ये मूर्ति लेकर इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? कल सवेरे भी तो आ सकती थी। एक्चुअली अंजलि, ये मूर्ति काफी कीमती है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे यहाँ सेफ रहेगी। इसे संभाल के रखना प्लीज। मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। ये अंजलि जाते जाते सारी बातें बता गई, ये बैंकॉक वाली बात कैसे भूल गई? अंजलि, अरे बाप रे, 9 बज गए। आज मम्मी आप कितनी देर तक सोई? तो आपने हमें उठाया क्यों नहीं? मैंने देखा कि आप गहरी नींद में सो रही हैं, इसलिए मैंने नहीं उठाया। सागरिका को ले जाकर तैयार कर दो। जी, मैं ले जाती हूँ सागरिका। नहीं नहीं, तुम बैठो, सीता ले जाएगी। जाओ। हाँ मम्मी, आप बैठो। अच्छा चलो बेटा, चलो। तुम्हारे आने से मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। जा रहे हो? कहाँ? रुद्रपुर। वहाँ एक कॉलेज में मुझे लेक्चरर की नौकरी मिल गई है। ये सोचकर के यहाँ सागरिका की देखभाल कौन करेगा, मैंने हाँ नहीं कहा था। मगर अब तुम्हारे आने से वो चिंता भी दूर हो गई है। मगर तुम्हारे केस का भी फैसला हुआ कहाँ है? नहीं हुआ तो हो जाएगा, और फिर कांच पर पड़ी लकीर किसने से मिट तो नहीं जाती। यहाँ रहकर अपमान की आग में सारी जिंदगी जलने से तो किसी छोटे से शहर में गुमनामी की जिंदगी बिताना कहीं अच्छा है। अच्छा चलता हूँ, प्रोफेसर अय्यर से कहकर नौकरी कंफर्म करवा लूँ। इतनी जल्दी भी क्या है, एक बार फैसला हो जाने तक रुक जाते तो अच्छा होता। तुम्हारी बात सुनकर मुझे ताज्जुब हो रहा है, तुम्हारे बयान नहीं तो मुझे सस्पेंड करवाया था, और आज तुम ही कह रही हो कि मैं फैसला होने तक रुक जाऊं। चलता हूं। नई नौकरी दिलवाने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें करते हो यार, लेकिन तुम्हारे शहर छोड़कर भाग जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शहर छोड़कर भाग नहीं रहा हूं यार, जा रहा हूं, क्योंकि हमारे समाज में एक वेश्या भी किसी पर बलात्कार का आरोप लगाए तो लोग उसी की बात मानेंगे, क्योंकि वो एक औरत है, सच कोई जानना नहीं चाहता। इसलिए कि इसमें दो खराबियां हैं, एक तो ये कि वो इंटरेस्टिंग नहीं होता, और दूसरा वो बहुत कड़वा होता है। चलता हूं यार। एक बात अवश्य याद रखना सागर, इस संसार में कावेरियों की कमी नहीं है, पर सागर बहुत कम है, और संसार को सागर की हमेशा जरूरत पड़ेगी। नमस्ते, आप लोग? भाभी, हम सब प्रोफेसर भारद्वाज के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा अच्छा, कोई खास बात? हमने सुना है सर शहर छोड़कर रुद्रपुर जा रहे हैं। इसीलिए भाभी हम सब रिक्वेस्ट करने आए थे कि वो ऐसा ना करें, प्रोफेसर भरद्वाज हमारे कॉलेज के बेस्ट लेक्चरर हैं। इसीलिए हम सभी लड़के लड़कियों ने ये फैसला किया है भाभी, अगर सर कॉलेज छोड़कर गए तो हम कॉलेज में हड़ताल कर देंगे। मगर आप लोग तो सब जानते ही होंगे,
उनके बारे में जो स्कैंडल हुआ था, वो स्कैंडल उनके खिलाफ की गई एक साजिश है। साजिश? हाँ भाभी, जिस लड़की ने सर को बदनाम किया है उस लड़की को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत ही आवारा किस्म की लड़की है। मुझे लगता है भाभी, उस लड़की को जरूर किसी ने भड़काया है। मगर किसने भड़काया होगा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन शायद प्रोफेसर अय्यर आपको इस बारे में कुछ बता सकते हैं। प्रोफेसर अय्यर? वही जो मैथ्स के प्रोफेसर हैं। मैथ्स के प्रोफेसर, करेक्ट। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोग यहाँ कोई खास बात है? सागर, ये लोग एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं तुम्हारे पास। सर, आप हमारा कॉलेज छोड़ के मत जाइए प्लीज। बल्कि सर, जब तक आपके केस का फैसला नहीं हो जाता हम आपके घर आके ट्यूशन ले लिया करेंगे सर। हाँ सर, आप हमें जो भी टाइम देंगे हम लोग आ जाएंगे। मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों को ट्यूशन नहीं दे सकता, ना ही मैं अपने कॉलेज छोड़ के जाने के इरादे को बदल सकता हूँ। बल्कि मैंने अपने रुद्रपुर का अपॉइंटमेंट भी कंफर्म कर लिया है। आप लोग जा सकते हैं। सर प्लीज। आई एम सॉरी, अब ये नामुमकिन है। भाभी जी, इनको समझाइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, आप सब जाइए, मैं आप सबकी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू भाभी जी। अरे सुनो, क्या नाम बताया था प्रोफेसर का? प्रोफेसर अय्यर। हाँ अय्यर। अरे सुनो भैया, प्रोफेसर अय्यर घर में है क्या? अरे भाभी आप? जी मैं। अय्यर साहब घर में हो तो उनसे जाकर कहिए कि मैं मैंने सिर पे एक गमछा लपेट रखा है ना, इसलिए आप मुझे माली समझ बैठी। लो, अब मैं माली से प्रोफेसर अय्यर बन जाता हूँ। आई एम सो सॉरी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको तो पता ही है कि आजकल मेरी दिमागी हालत कुछ। हाँ भाभी, मैं समझ सकता हूँ, आप वाकई एक जबरदस्त मानसिक तनाव से गुजर रही हैं। आइए 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 बैठिए। थैंक यू। हाँ प्रोफेसर साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। आज सागर के कुछ स्टूडेंट्स घर आए थे, उनका ये कहना है कि सागर पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाया गया है, आपका क्या ख्याल है? मुझे भी यही लगता है कि सागर के खिलाफ साजिश की गई है। ओह, मगर ऐसी साजिश करने वाला कौन हो सकता है? हमारा शक तो प्रोफेसर शर्मा पर है। प्रोफेसर शर्मा? हाँ, उसके सिवा ऐसी घिनौनी हरकत और कोई नहीं कर सकता। सागर को प्रोफेसर शर्मा से जूनियर होते हुए प्रिंसिपल बनाया जा रहा था, बस प्रोफेसर शर्मा को गवारा नहीं हुआ और उसी ने सारा स्कैंडल प्लान किया। आपके कहने का मतलब यह है कि वो लड़की प्रोफेसर शर्मा से मिली हुई है? बिल्कुल, मैं नहीं नहीं बल्कि कई लोगों ने कावेरी को प्रोफेसर शर्मा के घर आते जाते देखा है। आजकल तो सुना है वो रोज शाम प्रोफेसर शर्मा के घर होती है। हेलो सर। कावेरी, हजार बार कह चुका हूँ कि तुम्हारा इस तरह यूं बेधड़क चला आना ठीक नहीं है, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। मैं क्या करूं सर, आप तो मुझे अवॉइड करने लगे हैं। अवॉइड इसलिए करने लगा हूं कि तुम्हारी वो सागर वाली बात अभी तक ताजा है। हम दोनों का इस तरह साथ साथ दिखाई देना ठीक नहीं, कहीं लोग दो और दो जोड़कर चार ना बना ले। सर, मैं आपको सिर्फ आपका प्रॉमिस याद दिलाना चाह रही थी कि अगर मैं प्रोफेसर सागर के मुंह पर कीचड़ मल दूं तो आप मुझे फर्स्ट डिवीजन दिलवाएंगे। ये इम्पॉसिबल है, दो सब्जेक्ट्स में तुम बहुत बुरी तरह फेल हो और बाकी में भी 36% से ज्यादा नहीं। हाँ, मैं तुम्हें पास जरूर करवा दूंगा। ये नहीं चलेगा सर, आपके लिए मैंने प्रोफेसर सागर जैसे शरीफ आदमी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं मानता हूँ कावेरी, सागर तुम्हारी वजह से सस्पेंड हुआ। सुनो, मैं अगले साल पेपर आउट करवा के तुम्हें फर्स्ट डिवीजन दिलवा दूंगा। ओके? आप मेरे घर में, वो भी सो लेट? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी रात भी डिस्टर्ब किया, लेकिन जिस पर पड़ती है ना वो दिन रात नहीं देखते। मैं डूब रही हूँ कावेरी, और मुझे तिनके का सहारा चाहिए, और वो सहारा देने वाला तिनका तुम हो। मैं?
तुम चाहो तो मुझे इस नर्क से निकाल सकती हो। That man refuses to give me a divorce, कावेरी। I'm sorry. आप कोर्ट क्यों नहीं जाती? कोर्ट तो मैं गई हूँ। I am a fighter, और मैं आखिर तक लड़ूंगी। डिवोर्स तो मुझे हर हालत में चाहिए, लेकिन अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो ना, तो मेरी ये लड़ाई आसान हो जाएगी। क्या करना होगा? मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से तुम जज के सामने गवाही दो। गवाही? लेकिन अरे डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारा बयान जज के चेंबर में होगा और वहाँ जज के सिवा तुम्हारे सामने कोई और नहीं होगा। इन दैट केस मैं जरूर गवाही दूंगी। ओह थैंक यू सो मच। मगर अपना बयान देने के लिए मैं वो सब कुछ देखना चाहती हूँ जो उसने तुम्हारे साथ किया। जब मैं तुम्हारी बेबसी देखूंगी तो मेरे अंदर आग लगेगी और मेरे बयान में जान पड़ जाएगी। नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन कोई रिस्क तो नहीं है ना? अरे रिस्क की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है तो फिर लाइब्रेरी चले इस वक्त? अरे कल सुबह डेट है ना? लेकिन लाइब्रेरी तो बंद होगी ना? मैंने चाबी का इंतजाम कर लिया है। ओके चलिए। दैट्स द स्पिरिट, लेट्स गो। नॉट बैड एट ऑल, एकदम सुनसान। रेप के लिए लोकेशन बुरी नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ कि यहां पहले तुम आई थी कि वो? बोलो बोलो। जी वो, जब मैं आई तो वो टेबल पे बैठ के कुछ पढ़ रहे थे। अच्छा क्या पढ़ रहे थे? किताब, मोटी सी किताब। कौन सी मोटी सी किताब? जी वो मैं देख नहीं पाई। कोई बात नहीं, वैसे भी किताब कोई देखने लायक चीज होती भी नहीं। खैर अब तुम मुझे ये करके दिखा दो कि उस दिन हुआ क्या था। तुम मुझे वहां से बताओ जहां से प्रोफेसर भरद्वाज ने तुम्हें लिपटा करके तुम्हारे कपड़े फाड़ना शुरू किए। हाँ मान लो कि मैं प्रोफेसर भरद्वाज हूँ, बल्कि यार तुम मुझे शुरू से बताओ ना। ठहरो, हाँ मैं प्रोफेसर भरद्वाज हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम वहां से आई तो तुम कहाँ बैठी? जी यहाँ। ओह तुम खुद यहाँ बैठी थी कि उसने तुम्हें यहाँ बिठाया? जी नहीं, मैं यहाँ दूर बैठी थी। तो उसने तुम्हें पास बुलाया? हाँ। ओह नो, वो खुद सरक कर मेरे पास आया और सवाल का जवाब समझाते समझाते दैट जानवर मुझ पर टूट पड़ा और उसने मुझे जबरदस्ती इस टेबल पे लेटा दिया और मेरी साड़ी खींचने लगा। साड़ी? मगर तुम तो ड्रेस पहनती हो ना? हाँ ड्रेस। एक मिनट, मैं सागर का रोल कर रही हूँ ना, तो मुझे करने दो। उसने तुम्हें यूं पकड़ के यूं लटाया, करेक्ट? जी हाँ। That's scoundrel. अच्छा, जब उसने ये किया, तो तुम क्या कर रही थी? जी अपने आप को बचाने की कोशिश। अच्छा, तो करो ना। हाँ। ऐसे कुछ किया था ना उसने? जी हाँ। हाँ? और दरवाजा तक बंद नहीं किया था उसने? ये भी नहीं सोचा कि कोई देख लेगा तो क्या होगा? कॉलेज बंद हो चुका था, कौन आता? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। उसके बाद क्या किया उसने? मुझे पागलों की तरह जोर जोर से दबाने लगा और चूमने लगा। और दरवाजा खुला था जो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तभी वो जल्दी से उठ कर गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। और तुम यहाँ लेटी लेटी उसके आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो लौट कर आए और तुम्हें बर्बाद कर दे। डर के मारे मेरे हाथ पांव जम गए थे, भागने की कोशिश करती तो भी चाहती कहाँ, दरवाजा तो बंद था ना। मगर तुम चीखी चिल्लाई तो जरूर होगी। चिल्लाने से क्या होता, सुनने वाला कौन था? क्यों, वो उजागर सिंह था ना, इन सब का आई विटनेस? हाँ था, मैं चिल्लाई थी मगर दरवाजा तो बंद था ना, उजागर सिंह बेचारा आता कैसे? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि उस बेचारे उजागर सिंह ने ये सब कुछ देखा कैसे? जी की होल से। की होल से? हाँ। इस दरवाजे में की होल कहाँ है कावेरी? देयर इज नो की होल, कहाँ है? और उस दिन तो ड्रेस पहनी हुई थी ना, तो प्रिंसिपल साहब की टेबल के ऊपर साड़ी और ब्लाउज कहाँ से आया, बोल। आ जाइए आप लोग। बताओ किसने लिखा ये सारा ड्रामा, बोल। प्रोफेसर शर्मा ने, उन्होंने मुझे लालच दिया था अगर वो प्रिंसिपल बन जाएंगे तो मुझे एग्जाम में पास कर देंगे
और मैं उनकी बातों में आ गई और वो सब कर डाला जो मुझे नहीं करना चाहिए था। चल चल चल, ये रहा विटनेस, बोल तुझे झूठ बोलने के लिए किसने बोला था? बोल, शर्मा जी सर रहे, शर्मा जी सर रहे। ले जाओ इसे। प्रोफेसर शर्मा, तुम इतना गिर सकते हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। I'm ashamed of you. अपना इस्तीफा लेकर मेरे ऑफिस में मिलिए, जाइए। कावेरी, रो मत, कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी उम्र का है। खूब मन लगाकर पढ़ना, अब चुप हो जाओ, ओके? सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। कहिए। इसे माफ कर दीजिए। ओके। चुप हो जाओ। सागर। अरे गीता, तुम मेरे कमरे में? मैं तुम्हें एक मैसेज देने के लिए आई थी। कैसा मैसेज? तुम्हारे कॉलेज से प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, उन्होंने तुम्हें वहां बुलाया है। क्यों? ये तो मैंने नहीं पूछा। ठीक है, मैं मिल लूंगा। अच्छा, आओ सागर आओ। भाई मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं जानता हूं मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, तुम मेरी उम्र का लिहाज करते हुए मुझे जरूर माफ कर दोगे। जी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। क्या तुम्हें गीता भाभी ने कुछ नहीं बताया? गीता ने? हाँ। नहीं तो? कोई जिक्र नहीं किया? जी नहीं। बहुत महान औरत है वो सागर, उन्होंने सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी है। And I am proud to announce that you are reinstated. जी। Yes. Welcome to college. Thank you. Congratulations. Congrats, Sagar. Thank you. मुबारक हो। पूरे कॉलेज में आज खुशी की लहर छाई हुई है सर। देखा ये बच्चे कितना प्यार करते हैं तुम्हें, हैं? हेलो अंजलि। हेलो गीता, तू कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं तुझे ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी ना कि तू सुन के खुशी से पागल हो जाएगी। अच्छा, मगर वो खुशखबरी है क्या? तुम्हारा सागर बिल्कुल निर्दोष है, उसे झूठे इल्जाम में जबरदस्ती फंसाया गया था। लेकिन कावेरी ने जो सागर के बारे में जो सब कुछ बताया था वो सब एक ड्रामा था। प्रोफेसर शर्मा सागर को कॉलेज से निकलवाकर खुद प्रिंसिपल बनना चाहता था, उसके लिए उसने कावेरी का इस्तेमाल किया। लेकिन तुम्हें ये सब किसने बताया? कावेरी ने खुद मुझे बताया था, वो भी प्रिंसिपल के सामने। गीता, तुम्हारा सागर गंगा की तरह पवित्र है। ओ अंजलि, मैं बता नहीं सकती इस वक्त मैं कितनी खुश हूँ। अगर मेरे पंख होते ना तो मैं उड़कर फौरन वहां जाती, मगर ऐसा नहीं हो सकता है। आज रात को शो जो है ना, जब इतना इंतजार किया है तो 24 घंटे और इंतजार कर लो। आज रात को शो कर लेना और कल सुबह की फ्लाइट पकड़ कर चली आना। जैसे तुम आओगे मैं अपने घर चली जाऊंगी, मगर फिर कभी सागर पर शक मत करना। सागर जैसा पति लाखों में एक होता है, नसीब वालों को ही मिलता है। गीता जैसी पत्नी भी लाखों में एक होती है, सागर नसीब वालों को मिलती है। I love you, गीता। तुम्हें पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। सागर, मुझे अंजलि से पूरी बात तो कर लेने दो। लाओ मैं अंजलि से बात करता हूँ। हेलो अंजलि, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी गीता वापस मिल गई, मेरा उजड़ा हुआ प्यार मुझे वापस मिल गया। हेलो, तुम सुन रही हो ना अंजलि? हाँ सागर, मैं सुन रही हूँ। ये क्या अंजलि, तुम रो रही हो? ये खुशी के आंसू है सागर, तुमने अपने गीता को माफ कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया सागर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए अंजलि, गीता को मेरे जीवन में लाने वाली तुम ही तो हो। अगर मुझे और भी जन्म लेने पड़े तो मैं हर जन्म में गीता को ही अपना जीवन साथी बनाऊंगा। बाय अंजलि।
सागर, तुमसे मिलने में अभी 24 घंटे बाकी हैं। कब 24 घंटे बीतेंगे और तुम मुझे अपने बाहों में समेट लोगे? आप यहाँ ठहरिए, मैं जरा मैडम को बता दूं। जी ठीक है। कम इन। मैडम, एक औरत आपसे मिलने आई है। कौन है वो? वो सिर्फ आपको ही बताना चाहती है। अच्छा, मैं देखती हूँ। नमस्ते अंजलि जी। नमस्ते। आप? अंजलि जी, मैं गोपीचंद की पत्नी हूँ। गोपीचंद जी? कौन गोपीचंद? वही जो आपके ग्रुप में गिटार बजाया करते थे। हाँ, क्या बात हो गई? आप कुछ परेशान लग रही हैं। अंजलि जी, मैं आपसे यहाँ नहीं, कमरे में बात करना चाहती हूँ। हाँ जरूर, अंदर चले। मैरी, चाय ले आना। जी मैडम। मैरी, तुम्हारी मैन साहब कहाँ हैं? ऊपर कमरे में किसी से बात कर रही हैं। किससे? ये तो पता नहीं, कोई औरत मिलने आई है, कहती थी अकेले बात करनी है। ठीक है, तुम जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, लंदन में मेरे पति का खून किया गया। खून? हाँ। किसने किया खून? वो शख्स कोई और नहीं, आपका मैनेजर पीडी है। पीडी? और खूनी? वो सिर्फ खूनी ही नहीं, स्मगलर भी है। शायद आपको मालूम नहीं, वो आपके प्रोग्राम की आड़ में हशीश और हीरोइन की स्मगलिंग करता है। स्मगलिंग? कैसे? वो आपके म्यूजिशियंस की मदद से उनके इंस्ट्रूमेंट्स में छिपाकर ये चीजें विदेश ले जाता है और वहां से लाखों रुपए कमाकर यहां ले आता है। ओह माय गॉड, मगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, और फिर मेरे पति भी तो उसके साथ काम करते थे ना, इसीलिए मैं पुलिस को इन्फॉर्म करने की हिम्मत नहीं कर सकी। मगर आज सुबह के अखबार में मैंने पढ़ा कि आप बैंकॉक शो के लिए जा रही हैं। इस शो में भी पीटी जरूर किसी ना किसी तरह नशीली चीजें लेकर जाएगा। मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि पीटी की वजह से आप पर कोई मुसीबत आए। बस मैं तो आपको इतना ही बताने आई थी। अगर आप चाहें तो पुलिस को खबर करके उस खूनी पीटी को जरूर पकड़वा सकती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। अंजलि, अंजलि, ये मूर्ति काफी कीमती है, इसे संभाल कर रखना। हे भगवान, अंजलि इतनी खतरनाक लोगों के साथ काम कर रही थी। अरे बड़ी पीड़ित साहब, हाउसफुल और गोली हाउसफुल को सब गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? अरे अंजलि को हमारे धंधे के बारे में सब कुछ मालूम हो गया। कैसे? वो हरामजादी गोपीचंद की बीबी ने अंजलि को सब कुछ बता दिया है। ओह पीड़ित साहब, ये तो फंसने की नौबत आ गई, कुछ कीजिए। मैंने सब कुछ सोच रखा है। शो शुरू होने में एक घंटा बाकी है, तुम अंजलि के कमरे के बाहर खड़े रहो और देखो कभी कहीं ना जाए। कौन, हरी अप। और हाँ, टेलीफोन के सब तार काट दो। चलो जल्दी करो, हरी अप। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं, हेलो हेलो, अंजलि जी अभी तक आप तैयार नहीं हुई,
अरे हमको अभी निकलना है, शो का टाइम हो रहा है। हाँ मगर मुझे अभी जरूरी एक फोन करना है, यहाँ का फोन डेड हो गया है, मैं बाहर से फोन करके आती हूँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं है, देखो देखो। अरे अंजू तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? पीडी साहब तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन इस वक्त मुझे एक जरूरी फोन कॉल करना है और घर का फोन खराब हो गया है। लेकिन इस वक्त किसको फोन करना है? वो गीता को। ओह कम ऑन अंजू, गीता को तुम बाद में भी फोन कर सकती हो, अभी शो का टाइम हो रहा है, तुम जल्दी जाके रेडी हो जाओ। लेकिन प्लीज प्लीज क्विकली, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, तुम जाके रेडी हो जाओ। मेरा मैनेजर पीडी खूनी है, स्मगलर है। मैंने नटराज की मूर्ति में हेरोइन देखी है, ये मूर्ति मैं अपने साथ शो में ले जा रही हूँ। पीडी को मुझ पर शक हो गया है, मेरी जान को खतरा है, प्लीज हेल्प मी। आज का शो अंजलि की जिंदगी का आखिरी शो होगा। मतलब? मतलब मैं स्टेज पर चलकर समझाऊंगा। चलिए। अरे वही डांस का ड्रेस क्यों नहीं पहना? कॉस्ट्यूम में सूटकेस में रख लिया है, मैं वहां चेंज कर लूंगी। ठीक है चलो चलो। हेलो 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 हेलो। क्या बात है सागर, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे चलो मेरे साथ, अभी बताता हूँ। सागर मेरी बात तो सुनो। आज से तुम मेरे साथ सोगी। सागर, सागरिका वहाँ अकेली है, उसे डर लगेगा। सागरिका अकेली नहीं, बहुत अकेली। हाँ। इसलिए उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए हम उसके लिए एक छोटा सा भैया। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ गीता, मैंने फैसला कर लिया है और आज की सुहानी रात को हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन मैं तो पीती नहीं हूँ ना। अरे पीता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आज आज हम दोनों पिएंगे। लो। नहीं नहीं सागर, मैं नहीं पी सकती। देखो गीता, आज मेरी किसी बात को ना नहीं करना, प्लीज डार्लिंग, प्लीज। दैट्स इट चीयर्स। Thank you.
गीता बोल रही हूँ। क्या एक्सीडेंट? कैसे? हमारे मैम साहब स्टेज पे शो कर रही थी, अचानक बम फट जाने से उनकी मौत हो गई। नहीं, क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? हुआ क्या? नहीं, क्या हुआ? उन लोगों ने गीता को मार डाला। कौन गीता? गीता तो तुम हो। मैं गीता नहीं हूँ, मैं अंजलि हूँ। ये क्या पागलपन है? अंजलि हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम गीता से अंजलि कैसे बन गई? सागर, मैं गीता बनकर सच्चाई का पता लगाने आई थी। अभी थोड़ी देर पहले तुमसे फोन पर बात कर रही थी। अचानक क्या हो गया? इसका मतलब जिससे मैंने फोन पर बात की वो गीता थी। उन लोगों ने उसे अंजलि समझ के मार डाला। किन लोगों ने मार डाला? किसने उसे मार डाला? किसने मारा मेरी गीता को? ये सब मैं नहीं जानती। सागर, हमें इस वक्त वहां जाना होगा। किसी वक्त वहां जाना होगा सागर। अंजलि, विश्वास नहीं हो रहा। एक पल पहले तुम्हारी वजह से मेरी वीरान जिंदगी में बाहर आ गई थी, और दूसरे पल तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी फिर से उजड़ गई। मेरी गीता को तुमने मुझसे छीन लिया। बोलो अंजलि, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सागर, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ। उसके लिए तुम जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन अगर अभी हम उसके पास नहीं गए तो गीता के कातिलों को भागने का मौका मिल जाएगा। जल्दी करो सागर, हम सागरिका को रामप्रसाद और सीता के पास छोड़कर जाएंगे। रामप्रसाद, रामप्रसाद, सीता, क्या हुआ मामी? सीता, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटे। क्या हुआ भाभी जी? रामप्रसाद आओ। मेरी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हमें फौरन वहां जाना होगा। तुम तब तक सागरी का ख्याल रखना। अच्छा, आप बेफिक्र रहिए भाभी जी, हम इसका ख्याल रखेंगे। दीदी चलो सागर, जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी, आप मौसी के यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेंगी ना? उनकी ठीक होती ही आ जाएंगी ना? हाँ बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ चलो। अंजलि जी, ये वो मैसेज है जिसे आपकी बहन ने लिखकर 100 रुपए के नोट में फोल्ड किया था, मगर अफसोस ये हमें बहुत देर से मिला, वरना हम आपकी बहन की जान बचा सकते थे। बाय द वे, आप पीडी को कितने सालों से जानती थी? यही कोई 7-8 साल से। इतने लंबे अरसे से आप उन्हें जानती थी, इस दौरान आपको कभी इस बात का शक नहीं हुआ कि वो नशीली चीजों की स्मगलिंग करता था? नहीं एसपी साहब, कभी नहीं। लगता है बम ब्लास्ट के बाद वो कहीं अंडरग्राउंड चला गया है, बट वी विल अरेस्ट दैट स्काउंडरल। मिस्टर भरद्वाज, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी पत्नी के मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी। देखिए एसपी साहब, आपको उनको जो सजा देनी दीजिए, लेकिन इससे मेरी गीता वापस तो नहीं आ जाएगी। अब मैं और यहां रुकना नहीं चाहता, घर वापस जाना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सागर, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, और मैंने जो गुनाह किया है उसके लिए शायद तुम कभी मुझे माफ नहीं कर सकोगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है। सागरिका मुझे अपनी माँ समझती है, उसे ये कभी मत पता लगने देना कि उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार
मैं हूं। और हाँ, सागरिका को कभी मेरी याद आए तो उसे मेरे पास भेज देना। तुम्हारे पास भेज देने से माँ की कमी तो नहीं पूरी हो जाएगी। तुमने मेरी जिंदगी तबाह की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बीड़ी यहाँ नहीं आए, आप अंदर नहीं जा सकते। हट जा मेरे रास्ते से। होटल पर पुलिस ने छापा मारा। What? Oh my God! Hello? What? हमारे पेट्रोल पंप पर भी पुलिस ने छापा मारा। वहां भी? Hello? क्या? लाल कोठी पर भी पुलिस ने छापा मारा? पीडी साहब, सबसे ज्यादा हशिश तो वही थी। हम तो बर्बाद हो गए। पकड़ा नहीं। वो पुलिस का कुत्ता जादव कहाँ है? उसे फौरन यहाँ बुलाओ। पीडी साहब, आप फोन क्यों कर रहे थे? मैं तो खुद ही हाजिर होने वाला था। जादव, हम तुम्हें इसलिए पाल रहे कि पुलिस हमारे सारे ठिकानों पर छापे मारे। ये सारी करामात अंजलि की है। अंजलि? वो ऊपर पहुंच के क्या करामात कर सकती है? दरअसल जिस लड़की को आपने अंजलि समझ के उड़ाया था, वो अंजलि नहीं, उसकी छोटी बहन गीता थी। What? गीता? उसी ने आपके घर से वो डायरी बरामद की है जिसमें सारे पते लिखे हुए थे। डायरी? मखनानी, तुमने वो डायरी नहीं जलाई? जलाई तो थी, शायद ठीक से जली नहीं होगी। मखनानी, तुम मुझे बर्बाद कर दोगे। जादव, अंजलि इस वक्त कहाँ है? इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में है। जादव, तुम किसी भी तरह अंजलि को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा नाम दूंगा। गुड न्यूज अंजलि जी, वेरी गुड न्यूज। आपकी डायरी में पीड़ी के सारे ठिकानों के पते थे। हमने एक एक जगह छापा मारकर उसके सारे आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है। दैट्स गुड, लेकिन पीड़ी कहाँ है? बस पीड़ी हमें नहीं मिल पाया, लेकिन उनमें से कोई ना कोई कबूल कर लेगा कि वो कहां छिपा बैठा है। बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनाएंगे। अब आप घर जाकर आराम कीजिए। थैंक यू सर। सर, मेरे ख्याल से अंजलि जी का घर पर अकेले रहना ठीक नहीं है, इन्हें पुलिस की पूरी हिफाजत चाहिए। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। नहीं अंजलि जी, इंस्पेक्टर जादव ठीक कह रहे हैं। जादव, तुम इन्हें लेकर घर जाओ और वहीं ठहरो। राइट सर, थैंक यू। अच्छा सर, थैंक यू।
मैडम आप अगले सिग्नल से बाई तरफ मोड़ लीजिए। क्यों? आज ट्रैफिक बहुत जाम है, इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। ये तो एकदम सुनसान जगह है। कोई बात नहीं, आगे बहुत से लोग मिल जाएंगे। रास्ता क्यों रोक लिया? आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? इन बदमाशों के होश ठिकाने कीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जस्ट फॉलो देम। चलो हिफाजत से ही तो लेकर आया हूँ तुम्हें पीढ़ी कर देता अंजलि देवी। यू स्काउंडरल गद्दार। शट अप, ले जाए, बंद कर दो। सबको फोन कर देना। वेल डन इंस्पेक्टर यादव, वेल डन, बहुत अच्छा काम किया। ये लो तुम्हारा इनाम, जाओ ऐश करो। अरे भाई जरा मेरी ठोकाई तो करते जाओ, कम से कम ये तो पता चले कि अंजलि को बचाते बचाते मैं कितना जख्मी हो गया। ओह व्हाई नॉट, श्योर, जरा संभल के संभल। हेलो होटल शाहजहां, कमरा नंबर 809 में दीजिए, पीडी साहब से बात करना है। हेलो पीडी साहब, आपका काम हो गया है, चिड़िया पिंजरे में कैद हो चुकी है। जी क्या कहा? होटल शाहजहां में ले आऊं? जी ठीक है, मैं अभी लाता हूं। जी चलिए मैडम।
अंजलि कहाँ से बोल रही हो? Are you all right? मैं ठीक हूँ, मुझे पीड़ी का पता चल गया है। मगर पीड़ी है कहाँ? वो होटल शाहजहां में छुपा बैठा है, मैं वहीं जा रही हूँ। और हाँ, आपका इंस्पेक्टर यादव पीड़ी के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है, उसने मुझे किडनैप करवाया था। सर राजी, उस मोटरसाइकिल का पीछा करो। हरामजादे, आज तूने पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम कर दिया है। सर आप ये क्या कह रहे हैं? सर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बोल। अंजलि को पीड़ी के हाथों सौंपने कितनी रकम लिया तूने? बोल बोल बोल। नहीं मगर गाने कर। यस सर, ले जाओ इसे और हवाला पे बंद कर दो। सर चलो। सर मैं कुछ सर शर्मा गाने कर, पुलिस चौकी की तमाम पुलिस फोर्स को लेकर मेरे साथ चलो, हमें पीड़ी का पता चल गया है। तूने मेरी मासूम बहन को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दे इसे। तू मुझे मारना चाहती थी ना? Now I'll kill you. तूने मेरी बीवी को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। हराम साले। क्यों मिला? सागर भरद्वाज, अंजलि के धोखे में मैंने तुम्हारी पत्नी को मार दिया, इसका तुम्हारी साली को बहुत अफसोस हुआ। आज मैं तुम्हें भी तुम्हारी बीवी के पास पहुंचा देता हूँ। नहीं पीड़ी, ऐसा मत करना। तुम चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन सागर को यहाँ से जाने दो प्लीज। अखनानी, साली से अपनी जीजा की मौत नहीं देखी जा रही है, इसलिए
इस साले को छत पर ले जाओ और वहां से धक्का मार के नीचे फेंक दो। ले जाओ इसे। हल हल। बहन के मरते ही जीजा से इश्क हो गया क्या? राम जाने। गया तेरा जीजा जी, वो गया। सागर, मैं तो समझी थी कि तुम वो मैं नहीं था, वो मखना नहीं था, वो देखो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, इसमें तुम्हारा दोष नहीं था। नहीं सागर, दोष तो मेरा ही था। खैर, तुम सागरिका को बहुत प्यार से बड़ा करना। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करती है, उसे कभी अपनी माँ की कमी महसूस मत होने देना। और हाँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुनो अंजलि, मैं सागरिका के पास अकेले कैसे जा सकता हूं? जब वो पूछेगी कि उसकी माँ कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए कि वो तुम्हें ही अपनी मां समझती है। मैं उसके पास उसकी मां के बगैर कैसे जा सकता हूं?